let me tell you why i truly believe that A uh, very good morning to all of you. Welcome to the Wi-Fi Study Channel, changing the way of learning. India's number one online education channel and the part of an Academy. So, good morning, everyone. Good. Uh, group D और SSC के लिए हम शानदार 30 question की ये जो class है वो continue कर रहे हैं. आज की class में काफी important uh, जो science के questions हैं उनको cover करेंगे. Hopefully आप लोग के घर में सारे के सारे लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, बढ़िया तरीके से सारे लोग survive करें होंगे. नहीं अपने घरों में बाकी लोगों का ध्यान दीजिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनका खासकर ध्यान दीजिए और कोरोना का टाइम है और इस बार का कोरोना जो है वो कोई एज डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा है तो आप लोग प्लीज करके ध्यान रखिए घर में ही रहिए घर से बाहर नहीं निकलिए ताकि अच्छे तरीके से ना हम अपने एग्जाम्स दे सके यहाँ पे टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो ये आपकी ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज है जिसमें अपन थर्टी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और थोड़ा सा ना यहाँ पे डिटेलिंग वाला जो पार्ट है यानी कि थ्योरी वाला जो पार्ट है इस क्लास में आप करते हो सिर्फ क्वेश्चन ठीक है और डिटेलिंग वाला जो पार्ट है वो करते हो आप अन अकेडमी पे छह से सात बजे तो अनअकेडमी की जो ऐप है ना उस पर आ जाइए छह से सात बजे जो है ना ये हम क्लास कंडक्ट यहाँ पे करते हैं उसके अलावा एस एस सी के कॉम्बेट टेस्ट जो है वो चल रहा है यानी कि एस एस सी के कॉम्बेट में आप बारह बजे हर संडे को टेस्ट दे सकते हो और हिस्सा बन सकते हो बहुत बड़े एक स्कॉलरशिप के हिस्से का है ना कार्ड बन सकते हो मतलब बहुत बड़े स्कॉलरशिप का एक टेन परसेंट जो है वो आपके जो प्राइजेस हैं वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन जो है, वो डिक्रीज कर दिए गए हैं अच्छा ये फ्री क्लास को लेके बड़ी जद्दोजहद है भाई फ्री क्लास क्यों करनी है क्यों करनी है हम तो इसी में कर लेंगे देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ना क्वेश्चन और थ्योरी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट संडे से हम बायोलॉजी शुरू करेंगे तो उससे पहले आप लोग याद रखिए कि ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर एंड लाउड होना चाहिए और आपकी जो यहाँ पे क्लासेस हैं वो बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री की छह से सात बजे चलती हैं तो आप डिटेल्ड साइंस की थ्योरिटिकल पार्ट जिसको पढ़ने में आपको काफी मजा आएगा और काफी सारी चीजें जो है ना वो आपकी क्लियर हो जाएंगी तो वो हम करते हैं फ्री लाइव क्लास में शाम को छह से सात बजे है ना उसके लिए आपको अन का ऐप डाउनलोड करना है एसएससी सेक्शन में आना है या फ्री लाइव सेक्शन आपको दिख जाएगा वहां पे आइए और शिप्रा चौहान फॉलो करिए वहां पे आपको मैं नजर आ जाऊंगी और आराम से जो है ना वो क्लासेस कंटिन्यू करिए ठीक है ठीके? क्लास फ्री हो या सब्सक्रिप्शन की हो आपसे एक कोड पूछता है है ना तो वहां पे शिप्रा लाइव कोड आप यूज करेंगे किसी भी क्लास में एंटर करने के लिए तो आप यहाँ पे शिप्रा लाइव कोड यूज कर सकते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलिए आंसर दीजिए चलिए गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी से सारे ज्वाइन हो जाइए और शेयर भी करिए हाँ कल नहीं हुआ था अच्छा कल नहीं हुआ था क्लास कल नहीं हुआ था ये वाली क्लास यहाँ पे तो चलिए जल्दी से यहाँ पे आ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को शेयर कर दीजिए ये क्लास देखिए जहाँ जहाँ जिन जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सारे के सारे बच्चे जो है ना वो हमारे साथ जुड़ जाएँ है ना जल्दी से आप आंसर्स देना शुरू करिए क्लास को शेयर करना शुरू करिए जल्दी से एक मिनट लगेगा क्लास को शेयर करना है यहां पे बिल्कुल द पॉइंट नंबर वन या पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिकाओं में मौजूद यहां पे नहीं होता है तो जल्दी क्या रहेगा यहां पे नदीमुद्दीन नवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रशांत सावंत सेल जी सेल वॉल याद रखें सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है वो पौधों के अंदर मौजूद होती है लेकिन एनिमल्स में मौजूद नहीं होती है एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए और पता लगा लीजिए कि कौन सी चीजें पौधे में और कौन सी चीजें जंतुओं में मौजूद होती है सबसे पहले अगर ये वाले सेल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी पौधे की कोशिका यानी कि प्लांट कोशिका देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है थोड़ा बहुत उनको समझने की भी कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें क्लियर हो है ना प्लांट सेल की हम बात करेंगे तो प्लांट सेल में याद रखिए कि एक तो वैक्यूल एक्स्ट्रा होता है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ठीक है ये तीन चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स में ज्यादा पाई जाती हैं यानी कि प्लांट्स में ही पाई जाती हैं जबकि एनिमल सेल में अगर एक्स्ट्रा की बात करें कि जो चीज़ प्लांट से अलग होती है वो आपको याद रखनी है सेंट्रियॉल क्या याद रखना है सेंट्रियोल सेल वॉल जो कि सेल्यूलोस की बनी होती है वो सिर्फ पौधे के अंदर होती है जंतुओं में नहीं होती है वैक्यूल जो कि पौधे के अंदर 50 टू 90 परसेंट हिस्सा यानी कि किसी भी किसी भी पौधे की जो कोशिका है ना उसका 50 टू 90 हिस्सा जो है वो वैक्यूल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रिक्तिका क्या बोलते हैं रिक्तिका इसमें पाया जाता है, है ना क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एक वर्णक है पिगमेंट जो पौधे को हरा रंग देने का काम करता है अब ये सेंट्रियल एनिमल सेल में क्या करता है ये सेल को डिवाइड करने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करता है या सेल डिविजन जो है ना उसको यहाँ पे फॉलो करता है ठीक है तो कोशिका भित्ती करके याद रखिए ये चीजें याद रहेंगी सारी की सारी अच्छा एक और जब क्वेश्चन में कई बार ये दिया होता है कि क्लोरोप्लास्ट या वॉल इन दोनों में से कौन सी चीज प्रायोरिटी पे रखनी है तो मैंने आपको बोला था उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्लोरोप्लास्ट को प्रायोरिटी पे रखिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी चीज सिर्फ प्लांट्स में होती है एनिमल्स में नहीं मौजूद होती है आपको ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट भी दिया है सेल वॉल भी दिया है तब मैंने आपको क्या बोला था तब आप प्रायोरिटी में क्या रखेंगे सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट में से किसको प्रायोरिटी रखेंगे क्लोरोप्लास्ट को ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जल्दी से हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर विच ऑफ फॉलोइंग दैसेज अच्छा इस क्लास में तीस क्वेश्चन जो है ना आपका ये टारगेट होना चाहिए कि तीस में से मार्क्स तो देखो आपके बाईस के आसपास आए लेकिन तीस के तीस क्वेश्चन आपको समझ आए है ना मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई कोई क्वेश्चन हमको नहीं समझ आया फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए और उसका आंसर देने लग गए तो जहां पे भी आप लोगों को मेजोरिटी ऐसा लगेगा कि भाई ये छठा दसवां पंद्रहवा थर्टी क्वेश्चन अपने को नहीं समझ आया इस कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ आए तो टारगेट ये रखिए कि कम से कम 22 प्लस मार्क्स आपको मिले और समझ आए पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन की अगली बार अगर ये 30 क्वेश्चन में एज इट इज दू तब उसमें ना आपको 30 में से 30 नंबर आए समझ रहे हो ना मेरी बात यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करूं समझना है ठीक है हीमोग्लोबिन इन हैज द एफिनिटी फॉर शानदार क्या बात है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक पाई जाती है सिगरेट जो लोग स्मोक करते हैं आपको सिगरेट पीने को मना किया नहीं मानते हो आप लोग है ना सिगरेट जो है वो नहीं पीनी है ठीक है सिगरेट जो है वो क्या करती है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो धुआं है वो रिलीज करती है लंग्स में जाता है जिसकी वजह से जो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी है ऑक्सीजन और सीओ को एक्सचेंज करने की वो यहां पे गड़बड़ हो जाती है ठीक है तो कार्बन मोनो ऑक्साइड और ऑक्सीजन ये तीन गैसेस जो हैं वो जनरली हमारे लंग्स में सर्कुलेट करती हैं हैं या घूमती है, जिसमें से इसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और फिर ऑक्सीजन मतलब देख रहे हो आप अभी ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा जो हो रही है क्यों क्योंकि देखो अच्छा एक चीज समझो इस चीज को जरा ना ऐसे भी समझो यहाँ पे नहीं पीना ना सिगरेट मना के नो सिगरेट नो स्मोकिंग गलत बात यहाँ पे आपको पता है ना न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री बन गई है जिसने सिगरेट नो दो हजार चौदह है ना दो हजार चौदह के बाद दो हजार चौदह के बाद जो पैदा हुए ना लोग वो सिगरेट को हाथ को ही कोई लगाएंगे ताकि दो हजार पच्चीस तक वो न्यूजीलैंड जो है ना वो क्या हो जाए यहाँ पे एकदम कोरोना ये कोरोना फ्री तो खैर वो हो ही जाएगी एकदम सिगरेट फ्री भी हो जाए है ना तो ये याद रखिए यहाँ पे वेरी गुड हम नहीं पीते है ना आप लोग को ये याद रखना है अब देखो सीओ टू की जो एफिनिटी आ, ये आ, जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी चलो अच्छा इस डायग्राम से समझ लो आप इससे समझ आएगा आपको जो हीमोग्लोबिन है ना उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ही लो लेवल होता है बहुत ज्यादा देरी में बहुत लो एफिनिटी हम कहते हैं बहुत ही कम लगाओ तो अभी कोरोना की सिचुएशन में क्या हो रहा है भाई ओ टू ही तो कम हो रही है तो इसका मेन रीजन ये भी है कि वैसे तो एटमोसफेयर में सी अभी हमारे लंग्स की भी तो प्रॉब्लम है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा तो तुरंत इनहेल कर लेगा अभी सीओ टू मिल रहा है तो हम नहीं ये ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम नहीं इनहेल कर रहे हैं जबकि ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट जो है ना वो मौजूद है यहाँ पे तो ये याद रखिए पे कि ऑक्सीजन को आ, 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 के अंदर आरबीसीना सीओ टू को आरबीसी और ये भी हीमोग्लोबिन कतई ही नहीं करता लागर कॉन्सेंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता तो हीमोग्लोबिन जिसको सीओ टू के लिए इतना लगाव है क्या वो छोड़ता है उसको नहीं छोड़ता किस रीजन की वजह से ये ऑक्सीजन और सीओ टू एक्सचेंज हो रहे हैं वो भी आप याद रखिएगा भाई कि कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो सेंट्रेशन की वजह से ठीक है नेक्स्ट देखिए नेफ्रॉन इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अमंग फॉलोइंग ऑर्गन्स नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किस चीज का मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो आपका होता है यहाँ पे तो क्या लर्न करना है हाँ नहीं पीना है ना गुड बॉयज यहाँ पे ना अभी देखो सिगरेट से ये नहीं है कि पूरा का पूरा एक जनरेशन ही जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी फिर आगे की जनरेशन में भी लंग्स वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाए अरे देखिए देख अगला मैंने सिगरेट पीने को मना किया तो कर बीडी से होता है क्या मतलब सिगरेट नहीं मिलेगी तो बीडी पी लेंगे ऐसा भाई ना सिगरेट ना बीडी कुछ नहीं पीना बीडी में भी वही हाल है बीडी भी तमकू जलाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बीडी में भी तो टमाको होता है तो वो भी तो जलाएगी तो गड़बड़ करेगा ना यहाँ पे ब्लड के अंदर नहीं हीमोग्लोबिन में अगर सीओ जाके कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है किडनी बिल्कुल राना राजपूत यहाँ पे किडनी कौन सा ऑप्शन है डी है है ना डी करके याद रखिए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है तो हैज दी स्ट्रक्चर है पे किडनी की हम बात करें तो एक किडनी में ये आपका नेफ्रॉन वाला पार्ट दिया है ना नेफ्रॉन का स्टार्टिंग वाला पार्ट यहाँ से अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए देखो ये रहा नेफ्रॉन वाला पार्ट ये रहा है ना यहाँ से अगर आपको किडनी का जो स्ट्रक्चर है या नेफ्रॉन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ये डिस्टल कॉन्व्युलेटेड है ना तो नेफ्रॉन पे अटैच होता है हमारे किडनी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ठीक है किडनी का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बोला जाता है ये बताएं, में से क्या आपको क्या लिखी हुई है करेक्ट लिखी हुई है ठीक है ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये ये सारे के सारे विटामिन बी जो है सोलबल होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर इसमें संश्लेषित किए जाते हैं हम वही वाला हिसाब है कि हम ना जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं कि नहीं हमें बीड़ी नहीं तो हमें सिगरेट सही नहीं सिगरेट नहीं तो बीड़ी सही बीड़ी नहीं तो यहाँ पे बीड़ी नहीं मिलेगी तो हरी हशीश चरस गांजा है हीरोइन ये अरे ऐसे नशे नहीं करने सस्ते नशे करने ही नहीं है नशा करना है महंगा वाला क्या करना है महंगा वाला महंगा नशा क्या होता है भाई सक्सेस भाई ये सफलता तक जाना सफलता की चोटी तक पहुंचना ना ये सबसे महंगा नशा है इसको करने के लिए ना बहुत जज्बा चाहिए सिगरेट बीड़ी पीने के लिए क्या है बस थोड़ा दोस्तों का गलत प्रेशर थोड़ी सी टेंशन गए और सिगरेट पी लिया है और ये जो सक्सेस वाला नशा होता है ना ये भाई ये बहुत तगड़ा नशा होता है ये जिसने कर लिया ना उसकी मतलब ये साउंड ऐसा अजीब सा लेकिन भाई ये बिल्कुल फैक्ट है यहाँ पे इनमें से विटामिन बी के लिए कौन सी चीज जो है वो सही बैठेगी बताइए बीडी सिगरेट कोई ना पियो जिंदगी खराब हो जाती है चीजों को लेके सो so, क्या रहेगा आंसर अपना यहाँ पे पढ़ाते हैं भाई पढ़ाने से सब कुछ आ जाता है विटामिन uh, बी के लिए क्या याद रखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट दिया है तो आपको पता होगा कि बी और सी जो है विटामिन बी और सी जो है ये क्या है यहाँ पे बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल अच्छा एक बच्चा बोला आपको इतने सारे नशे कैसे पता है तो ये वही वाली बात है कि जरूरी थोड़ी है कि करे नहीं है नशे तो पता भी नहीं है और दूसरी बात, बात भाई मैं प्लांट्स की साइंटिस्ट हूँ तो इतना तो मुझे नहीं पता होगा तो साइंटिस्ट प्रजाति बाहर निकाल देगी चलिए अमंग दी फॉलोइंग इज दी करेक्ट लोकेशन ऑफ दी दिनल ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के अंदर अधिव्रत ग्रंथियों का सही स्थान क्या है बताइए पोजिशन ऑफ दी एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड हमारे ग्रंथियों में से जो इंपॉर्टेंट हमारी कितनी ग्रंथियां हैं हमारी इंपॉर्टेंट सात ग्रंथियां हैं ठीक है थेके? उन सात ग्रंथियों में से इंपॉर्टेंट एड्रीनल ग्लैंड जो है वो आती है आप बताइए यहाँ पे जल्दी से खुश रहो आप लोग बस हैं, खुश होके बस पढ़ाई कर लो वही मेन मकसद है यहाँ पे तो क्या रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब अब किडनी बिल्कुल यहाँ पे याद रखिए डॉल बिल्कुल अब अब किडनी जो है वो याद रखिए यहाँ पे बस खुशी कितनी खुशी हो रही है ऐसी चीजें बोलो कितनी खुशी होती है अभी पढ़ने का कोई टॉपिक बता रहा ना सांस सूंघ जाती है ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं सांस सूं गई हो इनको टॉर्चर करके बढ़ा बैठाया वो पढ़ाने के लिए अब ऐसी चीजें आती है तो कितना खुश होकर आंसर कर रहे होते हैं चलिए बताइए विच अमंग दी फॉलोइंग एड्रीनल ग्लैंड के लिए तो आपको क्या बताना है अबब किडनी यानी कि किडनी के ऊपर ठीक है किडनी के ऊपर जो है ना वो याद रखिए कि, किडनी के ऊपर अब आप किडनी गुर्दे के ऊपर अब इसको जरा देखो स्क्रीन पे आपका किडनी जो है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना अब किडनी दो किडनी होती है हमारे पास कहाँ पे लोकेशन है अपर एबडोमन ये सॉरी लोअर एबडोमन इसे बोला जाता है लोअर एबडोमन जो है ना वो इसका पोजीशन है अब लोअर एबडोमन में दोनों किडनी के ऊपर की तरफ क्या है एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं अधिव्रक ग्रंथि अधिव्रक ग्रंथि के तीन इंपॉर्टेंट काम एक तो ये इमरजेंसी हार्मोन आपातकालीन हार्मोन सामने शेर खड़ा है ठीक है तो कौन सा हार्मोन बॉडी के अंदर निकलेगा एड्रिनल सामने कोई ऐसा खड़ा है भाई जिसको देख के बड़ा गुस्सा आता है या जिसको देख के बहुत प्यार आता है वो तब उस टाइम पे कौन सा हार्मोन आपका निकलेगा एड्रीनल एड्रीनल इन रश इसको बोला जाता है एड्रीनलिन रश ठीक है इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं उसके अलावा कौन कौन से हार्मोन किडनी जो है वो सिक्रीट करती है एड्रिनल ग्लैंड की मदद से तो याद रखिए एक तो नॉर एपीफरिन ठीक है नॉर एपीफरिन दूसरा आपको एपीनेफ्रिन करके याद रखिए तीसरा आपको मिनरलो कॉर्टिकॉइड याद रखिए मिनरलो कॉटिकॉइड और एक याद रखिए ग्लूको ठीक है ग्लूको ये चार हार्मोन जो है वो सिक्रेट किए जाते हैं किडनी के द्वारा और किडनी के एड्रिनल ग्लैंड की द्वारा हाँ बिल्कुल समोसे की बीन शेप की होती है किडनी और समोसे के आकार का होता है एड्रिनल ग्लैंड समोसा खाया तो ये किडनी भी बीमार और ये आपका गुर्दा भी दिक्कत करेगा और एड्रिनल ग्लैंड भी दिक्कत करेगा तो समोसा या तली चीजें जो होती है ना वो किडनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है नहीं खाना है ठीक है एड्रिनल ग्लैंड करके याद रखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पोलीसाइथीमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू बताइए पॉलीसाइथीमिया का बेसिकली मतलब होता है पॉली का मतलब होता है मैनी मैनी मतलब बहुलक जैसे पॉलीसेकेराइड बहुलक है ना तो बहुलक यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में तो पॉलीसाइथीमिया किससे रिलेटेड बीमारी है ज्यादा अगर देखिए पहली बात तो ये कि एड्रिनल वगैरह जो है या कोई भी ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में रिलेटेडली क्या होता है अमृतराज देखो सुनो कोई भी ग्लैंड जो होगा वो हमारी बॉडी में एक मात्रा में या कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज होगा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में कोई ग्लैंड रिलीज हो या बहुत कम मात्रा में रिलीज हो ऐसा पॉसिबल नहीं है या तो बहुत मतलब हमेशा कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए एड्रेनालिन अगर ज्यादा रिलीज करेगा एड्रेनालिन एलिन ग्लूकोज को और मिनरल को हमारे ब्लड में मेंटेन कर रहा है अगर ज्यादा रिलीज करने लगेगा तो हमारे ब्लड की जो ग्लूकोज और मिनरल का जो लेवल है वो बिगड़ जाएगा तो उस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि भाई उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है राणा राजपूत बिल्कुल यहाँ पे देखिए नवदीप आर, आर का नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा पार्था बिल्कुल पे धीरज बिल्कुल करेक्ट आंसर निमी याद रहेगा का नंबर अगर इंक्रीज हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया अच्छा इसी का बिल्कुल मुझे रिवर्स बता दीजिए अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है तो पॉलीसाइथीमिया लेकिन अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज होता है यानी कि आरबीसी की संख्या जो है वो कम हो जाए तो देखिए जिस तरीके से ये बाकी की सारी चीजें ना एक बार पढ़ाई पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन तरीके से मेहनत करके पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी और एक बार ना ये जान लीजिए कि भाई अगली अगली बार जो एग्जाम देने हैं ना वो मुझे क्वालिफाई करने ही करने हैं ठीक है थीके? तो इन एनी हाउ फिर आप किसी और चीज को पे ज्यादा फोकस करोगे नहीं भाई सक्सेसफुल हो जाइए नशे वशे तो चलो दूसरी बात है ये तो जिंदगी में कभी भी कर लोगे लेकिन पढ़ाई का ये एक्चुअली टाइम है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे ये नेगेटिव थोड़ा सा एटमोसफेयर जो हो गया है कोरोना का या एग्जाम नहीं होगा या ऐसा कुछ सोच के घर बैठे हैं नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई शुरू करिए ऐसा ना हो कि ज्यादा यहाँ पे देर हो जाए ठीक है अनिमिया करके याद रखना है आरवीसी के लिए अपन डिक्रीज की अगर पूछा जाए तो अरक्तता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको करके इसको बोला जाता है ना नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कार्ल लैंडस्टीनर स्टीनर जो है वो कौन सी डिस्कवरी के साथ एसोसिएट करते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे तीन नाम याद रख लीजिए सबसे पहले कार्ल स्टीनर याद रखना है दूसरा आपको स्टॉटेंट स्टॉटवेंट करके याद रखना है तीसरा आपको वीनर याद रखना है ठीक है ये तीन लोग जो है इन्होंने ब्लड ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई किए थे तो इनका रिलेशन जो है वो ब्लड ग्रुप से ही रिलेट करता है यानी कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जिसमें से कार्ल एंडर को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है

प्याज जो है वो किस तरीके का स्टेम मॉडिफिकेशन बोला जाता है स्टेम मॉडिफिकेशन है प्याज इस क्वेश्चन से एक चीज तो ये भी याद रख लीजिए भाई कि स्टेम मॉडिफिकेशन जो है ये हम बोलते हैं तो प्याज हमारा क्या है स्टेम मॉडिफिकेशन ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे वरना तो प्याज जो है वो लीव्स की इन्फ्लोरसेंस बोली जाती है लीफ्स की इन्फ्लोरेसेंस लेकिन ये बात बोलते के साथ ही आधे बच्चे बोलेंगे भाई इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है तो इन्फ्लोरेसेंस की भाई हम डिटेल में जाएंगे नहीं है ना क्यों जाए भाई डिटेल में इतने से हो जाएगा अपना बताइए अनियन जो है वो क्या होता है बल्ब लिख सकते हैं यहाँ पे शानदार बिल्कुल बल्ब लिखे अभी योगेश बिल्कुल करेक्ट आंसर अनियन को अपन क्या लिखेंगे बड तो नहीं लिखेंगे बड बड होता है कली जो फूल अभी खिलने वाला है है ना तो बल्ब करके याद रखें बल्ब करके जो है ना इसे बोला जाता है नेक्स्ट देखिए फ्रक्ट अच्छा ये शानदार क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे देखिए वाली चीज है इन तीस क्वेश्चन में से कम से कम छे सात क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे है ना अब यही छह सात क्वेश्चन में आपको इंडिकेट करती जाऊंगी और आप उनको देखिए आप दे पा रहे हैं आंसर की नहीं ये क्वेश्चन देखिए फ्रक्टोज जो कि पौधे के अंदर संश्लेषण होती है जिसकी वो एक प्रकार का क्या है कार्बोहाइड्रेट है, है ना अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो टेबल शुगर बन जाता है अगर वो इस चीज के साथ मिल जाए तो किस चीज के साथ बताइए फ्रक्टोज जो है ना वो फ्रक्टोज कब बनता है वैसे तो फ्रक्टोज क्या बोला जाता है फ्रूट शुगर बोला जाता है फलों में जो सर्करा होती है वो आपकी कौन सी होती है फ्रक्टोज होती है तब ये फ्रेक्टोज जो है ना ये फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर बोली जाती है किस चीज के मिलने पे ग्लूकोज गैलेक्टोज तो क्या रहेगा माल्टोज से भी बन सकती है देखो माल्टोज भी है सुक्रोज भी है कितनी सारी चीजों से बन सकती है Question, देखो ऐसे तरीका होता है राणा सिंह राजपूत मतलब नहीं बाकी बच्चों की भी कोई यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने बोला ना कि भाई लो सुक्रेज भी हो सकता है माल्टोज भी आंसर चेंज होना शुरू हो गए कॉन्फिडेंस ना उस चिड़िया का नाम है जो सबके सर पे बैठती नहीं है जिसके सर पे बैठी या तो जम गई तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उड़ गई तो कॉन्फिडेंस की हवा हो जाती है सर पे सही से बिठाइए इस चिड़िया को कॉन्फिडेंस नाम की चिड़िया को उड़ने ना पाए और जमने ना पाए ग्लूकोज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सनी सिंह अमरजीत बिल्कुल यहां पे ग्लूकोज जो है वो करेक्ट आंसर है तो कॉन्फिडेंस की चिड़िया कहां बैठनी चाहिए सर पे मतलब यहां पे दिमाग पे लेकिन ना उड़ने पाए ना कसके पकड़ने पाए आपके सर को समझ गए यहां पे तो ये याद रखिए ग्लूकोज जो है वो करेक्ट आंसर हो गया रेफ्लेशिया इज द प्लांट विद लार्जेस्ट फ्लावर एंड फाउंड इन मेनी पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया ये क्या है एमेजॉन फॉरेस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में रेफ्लेशिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा होता है मैंने आपको बताया है कि इसका जो रेडियस होता है ना वही हो सकता है नौ फीट तक का समझे तो अठारह फीट तक का ये पौधा यहां पे पूरा हो सकता है अभी अठारह फीट का पौधा जो है वो क्या बोला जाता है बताइए कोई कुछ बोले ना अपना मन विचलित नहीं करिएगा आप लोग ठीक है जल्दी बताइए यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए रेफ्लेशिया इज द प्लांट विद द लार्जेस्ट फ्लावर ये किस तरीके का मैनग्रोव है ऑर्नामेंटल है पैरासिटिक है या है अक्षय देशमुख जय कृष्णा बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर और शानदार अक्षय कृष्णा बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या याद रखना है भाई इस क्वेश्चन के लिए कि रेफ्लेशिया जो है वो किस तरीके का पौधा बोला जाता है पैरासिटिक प्लांट क्या पैरासिटिक प्लांट पैरासिटिक क्या होता है परजीवी होता है परजीवी का मतलब क्या हुआ या क्या होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं लेकिन दूसरे के ऊपर भी कैसे डिपेंड करते हैं उसको नुकसान पहुंचा के आजकल दुनिया में यही चल रहा है ना थोड़ा सा तो रेफ्लेशिया जो है ये पैरासिटिक है और पैरासिटिक शब्द का मतलब समझ जाइए पैरासिटिक शब्द का या परजीवी का मतलब होता है जब एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है यानी कि जो खाना खा रहा है उसको फायदा है लेकिन जिससे खाना लिया जा रहा है उसको नुकसान है तो पैरासिटिक पौधे जो है ना ये बोले जाते हैं परजीवी पौधा इसको बोला जाता है ठीक है चलिए अब थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ पे अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेल ऑफ एन ऑटम एटम इन इज इन इट्स आइसोलेटेड गैसेज स्टेट इज कॉल्ड किसी पृथक गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के बाहरी आवरण से इलेक्ट्रॉन के निकालने की आवश्यक ऊर्जा क्या कही जाती है धीरज बिल्कुल ऑर्नामेंटल होते हैं सुबोना जब सजाने के काम आते हैं ना जो घरों में सिर्फ सजाए जाते हैं उनका कोई ज्यादा उनसे अपने को बहुत ज्यादा कुछ एडवांटेज नहीं होता है लेकिन हाँ ऑक्सीजन तो रिलीज करेंगे ही करेंगे और ऑर्नामेंटल ज्यादा होते हैं मतलब दे लुक ब्यूटिफुल जब सजाए जाते हैं ना उसके कॉन्टेक्स में बताइए ये बताइए द एनर्जी रिक्वायर टू तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन आउट मोशन ऑफ एन आइटम इन आइसोलेटेडियल स्टेट क्या रहेगा आंसर ध्यान देने भाई धीरज पाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या रहेगा अरे 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 इसमें तो आपके पास आंसर ही या तो ए हो सकता था या सी हो सकता था बी और शे का तो बी और डी का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे क्या रहेगा नदीप सिंह बिल्कुल 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 देखिए जब भी आपको लिखा जाए कि द एनर्जी रिक्वाय ठीक है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले इसको वर्चुअली ऐसे समझ लीजिए देखिए आपके पास यहाँ पे आ, जो है ना ये क्या है देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड ये हो गया यहाँ पे देखो सर्कल मेरा एकदम बढ़िया बनता है ना बिल्कुल अभी देखो जब भी हम यहाँ पे आ, इनकी बात करेंगे ऑर्बिट्स की तो आपके पास बीच में न्यूक्लियर और प्रोटॉन है ठीक है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सॉरी तो अगर मान लीजिए इसमें मैं सबसे बाहर भी बाहर वाले शेल की हम बात करें आउटर मोस्ट शेल की यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए इस आउटर मोस्ट शेल में है सात इलेक्ट्रॉन मैं बात कर रही हूँ क्लोरीन की है ना अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा तो जो एनर्जी इसको बाहर निकालने के लिए चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं शेल जो है वो बोला जाता है अब इसको देखिए आइनाइजेशन एनर्जी कैसे जाती है अब ये देखो ये पूरा एलिमेंट बना हुआ है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है उसका एटम जो है वो हमने उसको बनाया हुआ है अब उस एटम में ये नीले आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे नीले जो है वो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर इनको बाहर निकाला तो इसको चाहिए एनर्जी भाई उसकी शैल है उसके ऑर्बिट में उसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अगर आप उसको जबरदस्ती या तो कोई निकाल के दे रहा हूं जैसे सोडियम जो है वो कहता है भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओ लेके जाओ जिसको लेना है एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओ अगर आप क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन मानोग मांगोगे वो देगा क्या बिल्कुल नहीं देगा नहीं देगा ना तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम दे रहा है लेकिन क्लोरीन नहीं दे रहा 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 है 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 अब ऐसा कोई जो जो नहीं दे दे फिर फिर भी 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 आप उससे एक इलेक्ट्रॉन लो या जो दे भी रहा है, फिर भी कुछ तो एनर्जी उसको निकालने के लिए खर्च करनी पड़ेगी वो हमारी एनर्जी बोली जाती है क्या बोली जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी और इसी आयोनाइेशन एनर्जी को अगर आपको पढ़ना हो तो आपको क्या याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी इधर से इधर यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या हो जाती है घट जाती है क्यों मैंने बताया ना सोडियम इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा

ये पे इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमेशा आपकी क्या होगी यहां से यहां तक जाएगी तो वो इंक्रीज होगी समझ पा रहे हो मेरी बात सारी चीजें याद रखना कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए भाई देखो है ना इंक्रीज डिग्रीज कहीं पे भी नहीं समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में लिख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पेपर में सौ प्रतिशत पूछा जाएगा हंड्रेड परसेंट यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कौन सा न्यू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जब पकड़ के रखता है तो हम यहाँ पे इसकी कौन सी एनर्जी को बोलते हैं तो भाई वैसे तो इलेक्ट्रोनेग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे डिफाइन की जाती है डायगनली यस डायगनली डायगनली हाँ ठीक है डायगनली जो है वो इंक्रीज यहाँ पे करने वाला है चलिए एनर्जी the से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, वो या जो है, वो करते है ये बताइए दिए गए विकल्पों में से थर्मोसेटिंग की थर्मो प्लास्टिक की पहचान कीजिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें से थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो आपकी कौन सी बोली जाती है अच्छा मैं हिंट देती हूँ यहाँ पे कुकर जो बनता है ना कुकर में जिसमें आप खाना बनाते हो उसका जो हैंडल होता है चाय बनाने वाला जो पतीला होता है ना या फ्राई फैन होता है उसका जो हैंडल होता है ना ये सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब याद रखिए कि दे आर दी बैड कंडक्टर ऑफ द हीट क्या दे आर दी बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे तो क्या करेंगे हीट को पास ही नहीं होने देंगे अब कुकर हो जाता है खाना बनाते समय

तो आपको सी यू एसओ फोर याद रखना है ठीक है कॉपर सल्फेट या सी यू एसओ फोर कॉपर सल्फेट या सी यू एसओफोर द इजीली नोटिस स्मेल ऑफ द फॉलोइंग तो एक तो होता है इथाइल दरकैप्टन और मिथाइल मरकेप्टन ये क्वेश्चन में ऑप्शन का भी देखिए कभी अपन क्या होते हैं ना हम ये सोचे हैं कि भाई एलपीजी गैस जो है वो रिलीज होगी या सीएनजी पेट्रोल की जो स्मेल आती है वो अलग तरीके से आती है एलपीजी की जो गैस आती है वो अलग तरीके से आती है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बताइए हाँ बिल्कुल सी ओ एसओ हो गया इसका आंसर दीजिए जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं इनमें क्या होता है जैसे ही वो लीक करने लगते हैं तो स्मेल आती है तीन चीजें लर्न करनी है इथाइल मर्केप्टॉन मिथाइल मर्केप्टॉन और यहाँ पे तीसरी चीज आज के बाद आप याद रखिए इथेन इथियोन क्या लर्न करना है इथेन इथियोन ब्यूटेन कहाँ है ऑप्शन में अच्छा तो ब्यूटेन से तो वो बनी होती है अगर ब्यूटेन से वो बनी है और उसी से स्मेल आएगी तो आंसर कैसे जाएगा गड़बड़ हो जाएगा ना एलपीजी बनी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन से बराबर है मेरी बात धर्मेंद्र बिल्कुल ब्यूटेन और प्रोपेन से तो वो बनी होती है हमने पूछा है कि भाई जो नोटिस्ड स्मेल है यानी कि जैसे गैस निकलेगी तो उसमें से गंध आएगी तब हमें पता लगेगा कि भाई हमारी गैस जो है ना यहाँ पे सिलेंडर की लीक होने लग गई है तब हम जो आंसर करेंगे वो क्या होना चाहिए क्या रहेगा ये बताइए पोटेशियम ट इज यूज टू प्योरीफाई दी वाटर है ना इनमें से किस प्रॉपर्टी की वजह से पोटेशियम पर मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम पर का फॉर्मुला के एम एन ओ फोर है ना के एम एन ओ थ्री भी लिखते हैं के एम एन ओ फोर भी लिखते हैं यहाँ पे तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला अच्छा आप ब्यूटेन सबके सब, सब ब्यूटेन आंसर दे रहे थे भाई जिस चीज से वो बनी है उस चीज से स्मेल कैसे आएगी और उससे आती स्मेल तो नोटिस कैसे हम करते ब्यूटेन और प्रोपेन जो है उससे तो ये बनी है तो बनने वाली गैस को कैसे आप लिखोगे बताओ हाँ हो गया ना एक गलत यहाँ पे नहीं मैं कह रही हूं ना अच्छा यहाँ पे क्या रहेगा जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग लीचिंग कहां से आ रहा है लीचिंग तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है लेवल से नीचे जब पानी जाने लगता है तब हम उसको पर्कुलेशन ऑफ वाटर या लीचिंग करके बोलते हैं अभी यहाँ पे कहां से आ गया लीचिंग क्या रहेगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग याद रखिए भाई ऑक्सीडाइजिंग पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि के जो है वो किसकी तरह काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है विच अमंग दी फॉलोइंग इज प्रोड्यूस व्हेन बी पास क्लोरीन इनटू टू दी स्लेक्ड निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन या उत्पाद होता है जब हम क्लोरीन को स्लेक्ड लाइम के साथ डालते हैं अब ये मैंने आपको कल भी बताया थोड़ा सा बताइए अगर क्लोरीन को स्लेक्ड लाइम स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला याद है स्लेक्ड लाइम होता है भाई जिसकी आ, आ कहते हैं ना भाई बुझा हुआ चूना तो जब हमने बिना बुझे चूने में पानी मिला दिया तो स्लेक्ड लाइम हो गया और स्लेक्ड लाइम में अपन ने क्या किया अगर सी एल टू या क्लोरीन जो है वो पास कर दी यहाँ पे तो क्या रिएक्शन होगा क्या चीज बनेगी क्वेश्चन का आंसर अगर स्लेक्ड लाइम में हमने मतलब ये स्लेक्ड लाइन में हमने सी टू बना दिया तो क्या बनेगा सी एओ सी नवदीप बिल्कुल देखो यहां पे जरा निमी करेक्ट आंसर शनि सी ए सी एल टू ठीक है क्या लिखते हैं हम पे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर करके लिखा जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ठीक है ब्लीचिंग पाउडर करके लिख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट देखिए अच्छा ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन हो गया ध्यान से पढ़ लीजिए मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए विच वन ऑफ दी फॉलोइंग केमिकल बींग यूज एज अ मेजर इंग्रीडियंट ऑफ बेकरी इंडस्ट्रीज इन इंडिया जो कि कैंसर कॉज करते हैं क्वेश्चन आपको चेतावनी देने के लिए भी है और आपको बताने के लिए भी है देखिए यहाँ पे पोटेशियम की चार चीज़ें लिखी हुई हैं कौन सी पोटेशियम ब्रोमेट पोटेशियम आयोडेट पोटेशियम सल्फेट और क्रोमेट इनमें से चार चीज़ों में से कौन सी दो ऐसी चीज़ें या चारों ही ऐसी चीज़ें हैं जो बेकरी इंड इंडस्ट्री में यूज़ करती हैं बेकरी क्या केक बन रहे हैं मफिन्स बन रही हैं बेकरी चॉकलेट आइसक्रीम केक वगैरह ये और ये कैंसर कॉजिंग होते हैं कैंसर कॉज करते हैं इसीलिए ये थोड़ा सा ये भी है कि भाई बेकरी आइटम्स को हम बिल्कुल अवॉइड तो कर नहीं सकते अभी हम जिस जनरेशन में हैं ना हम कई चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं अवेयर रह सकते हैं इस चीज़ के लिए जब भी ऐसी चीज खाते हैं उसके बाद लॉट्स ऑफ वाटर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीजिए तो यहाँ पे क्या रहेगा बेकरी इंडस्ट्री में कौन सी दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोग याद रखिए तुक्के की कोई बात नहीं है वन एंड टू याद रख लीजिए पोटेशियम ब्रोमेट को और पोटेशियम आयोडेट को इस्तेमाल किया जाता है सल्फेट जहर होता है सल्फेट को तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते यहाँ पे तो वन एंड टू करके याद रखिए कोई इशू नहीं है बस आप अभी इसके बाद याद रखिएगा आप भूलिएगा नहीं बस ठीक है सिंगल क्वेश्चन भी कभी आ जाता है ये कई सारे और ऑप्शन दिए होंगे बता होगा लिखा होगा कि भाई बेकरी इंडस्ट्री में इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए पोटेशियम ब्रोमेट को और पोटेशियम आयोडेट को आयोडीन तो वैसे भी इस्तेमाल होता है तो आयोडेट फॉर्म जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है जो कैंसर यहां पे बना सकता है ठीक है ये क्वेश्चन सबका गलत है भाई आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आंसर इज वन एंड टू यानी कि पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वाटर गैस जो है वो क्या होती है बताइए वाटर गैस किसके कॉम्पोजिशन को बोला जाता है कौन सी चीज जो है ना वो वाटर गैस यहाँ पे बना देती है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर के साथ सीओ टू अगर हो जाए तो यहाँ पे ब्रोमेट और आयोडेट कभी भी याद रखिएगा कई सारे अलग अलग ऑप्शन के साथ भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको और कैंसर कॉजिंग जैसे मैंने बोला है ना आपको ये बात बताई भी है कैंसर का को कोई एक रीजन नहीं होता कैंसर के हजारों लाखों रीजन होते हैं जैसे अगर आपके बॉडी में पिचहत्तर ट्रिलियन सेल्स हैं तो पिछहत्तर के पिचहत्तर ट्रिलियन सेल्स जो है वो कैंसर बना सकते हैं ऐसी बाहर की कोई भी चीज कैंसर बना सकती है जिसमें से आजकल खाने पीने से ज्यादा कैंसर हो रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर या केमिकल्स जो है ना उनको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन था याद रखिएगा CO और H2 करके याद रखिए मिक्सचर ऑफ कार्बन ऑक्साइड और वाटर यानी कि सॉरी वाटर क्यों H2 बस याद रखिए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड भी नहीं होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी कि CO H2 जो है ये मिलके क्या बनाता है वाटर गैस बनाता है ठीक है इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है मतलब इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है ओशियन वाटर महासागर का पानी टेबल सॉल्ट हुआ नमक जिसे हम कहते हैं सिंपल हवा और सॉइल मिट्टी इनमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो नहीं कहा अरे वाह शानदार यहाँ पे क्या लिखा है इंद्रजीत बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए सीओ प्लस एन टू प्रोड्यूसर गैस होता है और एच टू जो है वो वाटर गैस तो एन टू अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम यहाँ पे नाइट्रोजन मिला देंगे पिछले क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन तो वो आपकी क्या हो जाती है वो हो जाती है प्रोड्यूसर गैस है ना और जब वाटर गैस बोला तो H2 करके लिखना है आपको कौन सी चीज इसमें से आपकी जो है ना वो क्या बोलते हैं कौन सी चीज इसमें से आपकी जो है वो क्या बोली जाती है कि भाई ये वाली चीज जो है ना ये हमारी मिक्सचर तो नहीं है कम से कम क्या लिखेंगे बताइए बहुत ही ईजी है ऑप्शन देख के कभी कभी हम कन्फ्यूजिया जाते हैं पर कंफ्यूजिया ने की बिल्कुल मतलब नहीं है यहाँ पे टेबल सॉल्ट लिख लें नमक जो है वो आयनिक सॉल्यूशन से यानी कि आयनिक बंद जो होते हैं उनसे बनता है आयनिक बॉन्ड से बनता है एन ए प्लस सी एल माइनस अपन लिखते हैं यहाँ पे है ना तो ये क्या है ये मिक्सचर तो नहीं है ये तो एक प्योर कंपाउंड है जो हमने बना लिया तो ये मिक्सचर नहीं है ये कंपाउंड है जो कि प्योर एन या सोडियम और क्लोराइड से बनता है इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है

अब अगर मुझे इन और में से लोहा निकालना पड़ेगा तो लोहे की मात्रा जो है वो इनमें से किसमें सर्वाधिक पाई जाती है या किसमें सबसे कम पाई जाती है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और फिर आंसर करिएगा गलत नहीं हो पाए पहले तो पहला ही ऑप्शन चूज करिए हेमेटाइट या मैग्नेटाइट सबसे पहले चलिए एक क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका बताती हूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे वाला तो आपको इसमें क्या करना है एलिमिनेट करना है क्या करना है एलिमिनेशन कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट का तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू करेक्ट दी आंसर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में जो मैग्नेटाइट है ना ये हेमेटाइट से ज्यादा मतलब मैग्नेटाइट जो है वो हेमेटाइट से ज्यादा मात्रा रखता है आयरन की तो आंसर जो है वो ए और बी में से होगा सी और डी में से तो आंसर होएगा ही नहीं है ना तो सी और डी वाले एक बार अब जो आंसर सी दे रहे हैं ना हटा दीजिए आंसर क्योंकि आंसर कभी भी हेमेटाइट होता नहीं है हेमेटाइट से ज्यादा ये हेमेटाइट से ज्यादा मात्रा जो है वो मैग्नेटाइट में होती है अब अगर हेमेटाइट यहां सेकंड नंबर पे दिया है तो इसका मतलब हेमेटाइट से ज्यादा मतलब मैग्नेटाइट से ज्यादा मात्रा किसमें होगी हेमेटाइट में दोनों में ही मैग्नेटाइट दिया है अब देखो तीसरा ऑप्शन में देखो लिमोनाइट और सिडेराइट है ना अब आप यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि लिमोनाइट जो है उसके अंदर ज्यादा मात्रा होती है और सबसे कम मात्रा होती है सिडेराइट में और उससे भी कम मात्रा होती है पायराइड चैल को पायराइट जिसे बोलते हैं अगर इस ऑप्शन में पायराइट भी ऑप्शन होता एक और ऑप्शन एड किया हो जाता

बैठती हैं जब आपने टॉपिक पढ़ा हो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कर दिया अब जैसे देखो मैग्नेटाइट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा होती है आयरन की कितनी बहत्तर परसेंट हेमाटाइट के अंदर मात्रा कितनी होती है सत्तर परसेंट होती है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन थे रखिए लिम्नोनाइट लिम्नो में जो है वो 60 परसेंट होती है और 60 परसेंट के बाद सिडराइट जो है उसमें मात्रा कितनी होती है 48 परसेंट होती है और लास्ट मैंने बताया कि आप पायराइट याद रख लीजिए पायराइट जो है उसके अंदर सबसे कम कितनी 46 परसेंट मात्रा यहाँ पे होती है ये वाली बात मेरी समझ गए यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ यहाँ पे अभी देखो सारे ऑप्शन पढ़ लो फॉर्मूले के साथ पढ़ लो ताकि कभी भी एग्जाम में फॉर्मूले को लेके गड़बड़ यहाँ पे ना हो मैग्नेटाइट क्या है एफ एफ ई टू ओ फोर करके लिखते हैं ठीक है यहाँ पे लिखो आप एफ ई थ्री ओ फोर मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है एफ ई थ्री ओ फोर फॉर्मूला क्या होता है एफ ई टू ओ थ्री का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे एफ ई टू ओ थ्री डॉट में थ्री एच टू ओ और सिडेराइट का फॉर्मूला एफ ई e सी ओ थ्री इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है और पायराइट में क्या होता है कि थोड़ी सी सल्फर भी मिक्स हो जाती है और चैलको पायराइट और आयरन पायराइट दो चीजें लिखती है बराबर है समझ गए मेरी वाली बात ये चलिए नेक्स्ट देखिए आप पे क्वेश्चन विच फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल इनमें से कौन सा भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है प्यूपल कौन सा हिस्सा है प्यूपल जो है वो आयरस से घिरा रहता है है ना और प्यूपल जो है वो क्या करता है आंखों में रोशनी ले जाने का काम करता है कॉर्निया के बाद आपकी आंख में जो रोशनी जाएगी वो कहाँ से होके जाएगी कॉर्निया के बाद आंखों में जो रोशनी जाती है वो कहाँ से होके जाती है प्यूपल से अब इस प्यूपल का जो साइज है वो कौन कंट्रोल करता है बताइए इस प्यूपल का जो साइज है वो कौन कंट्रोल करता है आपकी आंख में अच्छा ये क्लासेस जो है या ये वाली जो क्लास है पर्टिकुलरली एक तो छे से सात बजे स्टैटिक की जो क्लास होती है आपको उसमें भी वो अटेंड करिए और ये वाली क्लास अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिए जहाँ पे कर सकते हैं आयरिस किसी को कोई शक यहाँ पे आयरिस आयरिस जो है ना ये क्वेश्चन करने के बाद और इनके आंसर सही करने के बाद ना यू फील अ कॉन्फिडेंस है ना लेंस जो है ये हो गया उसके बाद यहाँ पे प्यूपल जो है ये वाला हिस्सा बोल दिया अपन ने यहाँ पे प्यपल क्या है ये वाला हिस्सा आपका पीपल हो गया ठीक है जो ये आपको ब्लैक होल आपको अपनी आंखों में नजर आता है ये वाला ये ये होता है के आसपास जो जो आपको रेज नजर आती है या कलर्ड आपकी आंखों का रंग किसकी कभी शीशे में देखा है ये खुद को मतलब कभी आपने शीशे में अपने बिल्कुल पास आके आंख को देखा है सर खोल के बढ़िया से ऐसे आंख में क्या है तो उसमें एक ब्लैक सा डॉट जो अंदर तक आपको ना परकोलेट करके दिखाई देगा वो प्यूपल होता है उसके आस आपकी जो आंख का रंग है भूरी है काली है नीली है ये आंख जो है है ना वो की वजह से होती है। तो आयरिस तो हो ऐसा, तो हो तो ऐसा फैल जाएगा और प्यूपल जो है ना वो यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा तो आयरिस जो है वो कलर भी डिसाइड करती है परितारिका बोलते हैं अच्छा आइरिस को हिंदी में ना परितारिका बोला जाता है परितारिका तो पायरिस कलर भी डिसाइड करती है और प्यूपल में कितना रोशनी पुतली के तरफ से जाना है वो भी यहाँ पे डिसाइड करती है ठीक है ये बताइए न्यूक्लियर साइज आर इन यूनिट अरे ये डेली देखते हैं तो गड़बड़ है भाई मतलब मैंने बोले कभी कभार सडनली होता है खड़े हैं नहीं बाथरूम में या कमरे में नहीं कुछ हुआ आके ही देख रहे हैं अपना जूम करके ये चीजें थोड़ी सी अच्छी होती हैं अपनी अपने बारे में चीजों को जानने के लिए पर ये थोड़ी कि डेली देखना है डेली नहीं देखना भाई चलिए ये बताइए यहाँ पे न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन ये मनीष कुमार रिफ्रेक्टिव इंडेक्स संभाल के रखिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का एक शानदार सा क्वेश्चन आने वाला है न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नेम डेज तो फर्मी लिख लें इसके लिए यहाँ पे न्यूक्लियस का जो साइज होता है अच्छा न्यूक्लियस के साइज का मतलब क्या है जैसे ये, से ये आपका न्यूक्लियर साइज बोला जाता है कैसे मेजर करते हैं यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग नहीं लिखना है भाई क्या लिखना है इसके लिए एनड्रिको फर्मी फर्मी करके याद रखिए फर्मी जो है ना उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था अब ब्लैक बॉडी कैन एबजॉर्ब रेडिएशन सॉप बताइए ब्लैक बॉडी या काली जो वस्तु होती हैं वो सारी तरीके के एब्जॉर्ब कर सकते हैं रेडिएशन जैसे गर्मियों में बोलते हैं भाई काला कपड़ा नहीं पहनी है क्यों क्योंकि वो गर्मी देगा तो ये जो काला कपड़ा है ना कैसे मतलब एक काला कपड़ा जो है वो मना करते तो वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है लोअर इंटरमीडिएट या हायर टेन एज टू पावर माइनस फिफ्टीन यस एंड्रेको फर्मी या फर्मी जो यूनिट है वो आपकी क्या बोली जाती है क्या टेन एस्टोबा माइनस फिफ्टीन मीटर शानदार बच्चे हो गए हैं अभी इंटेलिजेंट है ना टेन एस्टोबा माइनस फिफ्टीन देखे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं तभी पेपर लेने वाले को सोचना पड़ रहे हैं डर गए हैं आपसे ये लोग चलिए बताइए ऑल वेवलेंथ लिख लें यहाँ पे विनीत बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑल वेवलेंथ करके याद रखिए देखिए ब्लैक कलर जो है वो सारे ही रंगों को एब्जॉर्ब कर सकता है काला रंग वैसे भी होता है काला रंग जो है ना वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है तो ब्लैक कलर करके याद रखिए ब्लैक कलर कैन एब्जॉर्ब ऑल दी टाइप ऑफ दी वेवलेंथ है ना इसीलिए गर्मी में मना करते हैं शेविंग मिरर शेविंग मिरर हो गया या मेकअप मिरर लिखा रहेगा आपको डेंटल मिररर लिखा रहेगा तो कौन सा मिरर होता है शेविंग के लिए कौन सा

यहाँ तो मेकअप करने की सोचो या बोलो तो ऐट टाइम मतलब जब मेकअप जिस दिन अगर शाम को मेकअप करना हो पूरे दिन बैठ के सोचना पड़ता है अच्छा आज मेकअप करना है ठीक है तो ये बिना मेकअप वाला कॉन्सेप्ट है तो मेरा पढ़ाई के हिसाब से तो पता है अप्लायंसेस के हिसाब से नहीं पता एप्लीकेशन के बताइए कौन, कौन सा कनकेव लिख ले कनकेव जो है वो क्या इमेज देता है जूम इमेज देता है कैसी जूम इमेज देता है कन्वेक्स जो है वो ब्रॉड इमेज देता है या बड़ी इमेज देता है है ना ये बड़ी इमेज देता है कॉन्वेक्स जो है वो छोटी इमेज देता है शीशे में में गाड़ियों इस्तेमाल किया जाता है 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 प्लेन मिरर जो जो वो वो क्या देता देता बराबर की इमेज समझ गए को कोई भी कंफ्यूजन नहीं मैं बिना मेकअप के मतलब हमारे स्टूडियो वाले हमारे स्टूडियो वाले जो भैया है ना वो भी बोलते हैं मैडम कभी तो मेकअप कर लिया करो बाकी सारे इतना मेकअप करके आते हैं आप ऐसी उठ के चली जाती हो मतलब क्या ही करें अब ये बात मैंने मतलब सबसे ज्यादा ना अपने स्टूडियो वाले भैया से सुनिए और किसी से नहीं सुनी इज लाइक कभी तो मेकअप करके पढ़ाओ यार क्या करते हो कभी तो मेकअप करके पढ़ाओ चलिए यहाँ पे क्या रहेगा शेविंग मिरर जो है उसमें कनकेव मिरर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब मेरी बात ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कनकेव मिरर में नॉर्मल साइज से बड़ा दिखता है कन्वेक्स मिरर में नॉर्मल साइज से छोटा दिखता है और प्लेन या समतल मिरर दिखते जो होता है उसमें क्या होता है बराबर दिखता है ठीक है बराबर जो है ना वो दिखता है एन एयर बबल इन वॉटर विल एक्ट लाइक पानी में एक हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा मैं मेकअप करने लगी ना मैं क्लास छोड़ दू क्लास छूट जाएंगी मेरी नहीं नहीं मतलब ये मेरे आप ये समझो ना ऐसे किसी के मम्मी पापा बोलते हैं नहीं मेरे मम्मी पापा बोलते हैं मेरी मम्मी बोलती है भाई कैसे जाती है पागलों की तरह पढ़ाने के लिए ना बच्चे भी क्या ही सोचेंगे ना कभी तो ढंग से चली जाएगा ना पर वही वाली बात है भाई जब पूरा दिन सुबह चार बजे से दस बजे तक काम ही काम काम ही काम ऑफिस काम ये काम वो काम तो सुध नहीं रहती जिस दिन दिन मेकअप कर लिया ना उस दिन क्लास छूट ही मेरी चलिए ठीक है बताइए एक एयर बबल पानी के अंदर किस तरीके से एक्ट करता है और भाई ये क्वेश्चन एक बच्चा है जिसका मुझे नाम नहीं याद पर वो ना दो तीन दिन से ना एक यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ उस क्वेश्चन की अर्जेंसी और इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे तो क्या रहेगा

आजाद बिल्कुल समझ गई मैं यहाँ पे ना इसीलिए इसीलिए मैं ऐसे पता है मुझे ना पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे कनकेव या कन्वेक्स अब तलिया जल्दी जल्दी कॉन्वेक्स कई सारे लोग कॉन्वेक्स आंसर दे रहे हैं कुमार राहुल बिल्कुल अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आज जो है ना वो आपका गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव आप खुद के आंसर देखो आप मिक्स आंसर दे रहे हो कन्वेक्स और कनकेव मनीष कुमार यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है आप मुझे ये बता दीजिए रिफ्रेक्ट इंडेक्स जो है वो एयर का कितना होता है और वाटर का कितना होता है मैं आपको समझाऊंगी पर पहले आप मुझे ये समझाओ कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है और वाटर का कितना होता है जो भी चीजें अगर वो कॉन्केव या कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रही हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक ही है क्या कॉन्सेप्ट है कि आप ये जान के चलिए कि एक ग्लास के अंदर ना आपने बबल डाला जैसे ये सपोज ये वाला ही है इस बड़े बबल को अपन यूज कर लेते हैं भाई ये फोटो लगाने का कुछ तो फायदा हो यहाँ पे है ना ये ग्लास है इसके अंदर ये बबल है ठीक है अब जब ये बबल जो बनेगा वो क्या होगा इसके अंदर होगी हवा राइट यहां पे है पानी अब लाइट जब एयर के अंदर जाएगी और वाटर के अंदर जाएगी

और डी आर ए बोलते मैंने आपको बोला था भाई डरा करके लर्न करना है और आपको आर डी टी और डरा करके लर्न करना है यहाँ पे हो रहा है डरा क्योंकि डेंसर से जब रेयर रन में जा रही है तो जो नॉर्मल लाइन है वो चली जा रही है ऐसे करके मतलब अवे जा रही है अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर की जो होती है वो होती है 1.003 जबकि यही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जब वाटर की होती है तो 1.3 करके बोली जाती है 1.33 करके बोली जाती है सो द आंसर विल बी कॉनकेव लेंस क्या होगा कॉनकेव लेंस तो जब भी कभी भी डी आर ए यानी कि डेंसर से रेयर में कोई भी लाइट ट्रेवल करेगी ये हमेशा रिफ्रैक्शन के लिए होगा और विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइन और जैसे ही इंडेक्स उसका चेंज हुआ ये एयर बबल जिसमें हवा भरी हुई है ये पूरा बबल जो है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा ठीक है कॉनकेव लेंस की तरह तो इन साइड वॉटर इट ऑलवेज एक्ट एज कॉनकेव लेंस और यही अगर ये बबल हवा में घूम रहा हो तो कन्वेक्स लेंस मेरे भाई ठीक है समझ गए आप यहाँ पे जब यही चीज आपको पानी के अंदर पूछी है कि पानी के अंदर ठीक है पानी के अंदर बबल कैसे बिहेव करता है तो आपको ये आंसर याद रखना है कन्केव लेंस की तरह और यही अगर बुलबुला जो है वो हवा में होगा तो क्योंकि अभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर हो गए हवा से हवा में हो गया ना यहाँ पे तो सिर्फ रिफ्रेक्शन होके वापस आ जाएगी तब ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह क्लियर एंड लाउड ऑन दिस क्वेश्चन बताइए अभी यहाँ पे ना ये याद रखिए कि इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि भाई जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये तीन चीजों के लिए पूछा जाता है पानी के लिए ग्लास के लिए और हवा के लिए पानी और ग्लास का एक ही आंसर रहता है कॉन्केव लेंस और हवा के लिए जब पूछा जाएगा तो कॉन्वेक्स करके याद रखना है ठीक है कॉन्वेक्स ये हो गया ना

कंक्रीट सड़क के मुकाबले बताइए आपको बर्फ पे बोले चलने के लिए बर्फ पे तो वही होता है बर्फ के बर्फ ना एक ही चीज के लिए काम आती है पुलिस वाले जब थर्ड डिग्री टॉर्चर देते हैं ना बर्फ उसके लिए सबसे सुटेबल है अब ये बताइए कि बर्फ पे चलना जो है ना वो मुश्किल है लेकिन कंक्रीट सड़क पे नहीं क्यों भाई सबसे इजी आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है किसी को बताइए कनकेव अवतल और अब उत्तल करके याद रखिए भाई डॉल तुम कभी तो इंग्लिश में ही आंसर लिख रही होती हो पूरा अब बोल रहे हो हिंदी नहीं समझ आती है कन्वेक्स और कन मतलब हिंदी समझ आती इंग्लिश नहीं समझ आती कन्वेक्स और कनकेव बस याद रखिए पानी से हवा पानी से ग्लास कनकेव हो गया और जैसी हवा पूछा जाएगा तो कन्वेक्स करके लिख लीजिएगा बस बताइए मतलब कौन सा यहाँ पे याँ आंसर ठीक जा रहा है हंड्रेड परसेंट ठीक है कौन सा आइस में लेस फ्रिक्शन होती है फ्रिक्शन का खेल है पूरा का पूरा किसी भी सरफेस के लिए जब दो सरफेस पे चलना बैठना भागना दौड़ना प्रेशर की बात होती है सीधा फ्रिक्शन का खेल है फ्रिक्शन क्या घर्षण अब यहाँ पे याद रखिए द आइस हैज वेरी लिटिल फ्रिक्शन एज अ पर्टिकुलर टू जैसे आप रेत पे खड़े हो आप बर्फ पे खड़े हो आप खड़े ही नहीं हो पाओगे क्यों क्योंकि आप फ्रिक्शन नहीं लगा पाओगे और फ्रिक्शन नहीं लगेगी तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन लॉ वो जाएगा नहीं इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा आपका देयर इज अ वेरी लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन दी आइस एंड फीट ये बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस और अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर इनमें से कौन सी गैस है जो हमारे एटमोस्फेयर के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन की लेयर है ओजोन वाली उसको डिप्लीट करता है अच्छा जब भी डिप्लीशन की बात आए डिप्लीशन क्या हो गया O2 को मतलब O3 ने जब O2 और O2 ओ में बिगड़ गया यानी कि वो टूट गया भाई बिगड़ गया अगला गुस्सा हो गया O2 को अलग कर दिया और ओ को अलग हो गया तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस डिप्लूशन करके डिफाइन करेंगे तो O2 टू प्लस ओ करके याद रखिए ठीक है हाँ जी बिल्कुल लीस्ट फ्रिक्शन या लेस फ्रिक्शन करके लिख सकते हैं अब आप बताइए यहाँ पे कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है मतलब जो कि ओजोन को खराब कर देती है आंसर ध्यान से करिए नवदीप दीपक आजाद बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे राना शिवानी प्रिया निमी बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई क्या शानदार बच्चे है देखो ऐसे बच्चे जब आंसर आप लोग गलत देते हो ना तो दिल टूटता है खतरनाक टूटता है लेकिन जब आप आंसर इस तरीके से दे रहे होते हैं ना अब वही वाली बात है क्वेश्चंस की भी थोड़ी सी पर्टिकुलरली अभी जो हम ये क्लासेस कर रहे हैं या जो क्वेश्चन कर रहे हैं दीज आर एक्चुअली दी मटीरियल ऑफ क्वेश्चन जो आपको ग्रुप डी में पूछे जाएंगे बस ये तीस क्वेश्चन जाते हैं आप पच्चीस क्वेश्चन लगा लीजिए है ना तो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आप इनमें डेली

सीसीएलटू टू करके याद रखिए या करके CL, uh, याद रखिए गड़बड़ हो जाती है नेक्स्ट देखिए कॉपर डिस्क होल इफ द हीटेड द साइज ऑफ द होल बिल विल गो फॉरवर्ड बताइए की भाई आपकी क्लास तो जो है ना वो आपकी सुबह होती है छह बजे अचाइए एक 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 जना लिख रहा है ये दिल मतलब ये दिल नहीं है ये पत्थर बन चुका है अरे क्या बात है मतलब ये तो वही जुबिन नोटियाल के गाने सुने हैं है? मेरे सीने में जो दिल लड़क रहा है वो दिल नहीं है पत्थर है ये मतलब क्या जुबिन नोटियाल के गाने सुने हैं यहाँ पे चलिए बताइए एक क्वेश्चन में आंसर क्या होगा कॉपर डिस्क एज होल होल कॉपर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेटल के कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट के बारे में सोचिएगा क्या रहेगा यहाँ पे कॉपर डिस्क है मतलब प्लेट है कॉपर की इसमें कहीं पे भी होल है उसको गर्म करने पे वो क्या करेगा कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बराबर है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये होल जो है वो क्या होगा बढ़ेगा इंक्रीज यहाँ पे होगा जो बैड कंडक्टर होंगे वो क्या होंगे उनमें डिक्रीज रहेगा जो बढ़ेंगे उनमें मतलब जो गुड कंडक्टर है उसमें बढ़ेगा इंक्रीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है वह अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन इन वन कॉर्नर रूम स्मेल स्प्रेड सून थ्रू आउट द रूम का एग्जाम्पल है कुकर में रख के एक सीटी जो है ना लगाई है और कुकर की सीटी जैसे ही लगी पूरे घर में खुशबू फैल जाती है खाने की है ना तो वो क्या मतलब कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जब भी परफ्यूम की बॉटल जो है वो खोला पूरे घर में स्मेल हो जा रहा है रीजन इसका क्या रहेगा देखिए सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं सारी क्लासेस ज़रूरी हैं सारी क्लासेस एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं कराई जा सकती अभी भी देखो आप जब ये मेरी क्लास चलती है तो सर की भी क्लास चलती है कोई खाली नहीं है टाइम तो कोई भी टाइम यहाँ पे ऐसा नहीं है जिस टाइम पे नॉन पैरल क्लास चल सकती है या फिर चल सकती है वो नौ बजे के बाद रात को है ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी इसीलिए अन अकेडमी तो क्लास करना ही पड़ेगा डिफ्यूजन लिख लें यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है बात सारी की सारी है डिफ्यूजन की या प्रसार की ऐसी कुकर में खाना रखा तो डिफ्यूजन ऐसे करके लर्न करिए चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे नो करेंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी इफ दे हैव द सेम दो अवशोषित पिंडों के बीच में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा अगर या चार जो है आवेश प्रवाहित नहीं होगा यदि क्या चीज समान हो ये एक्जेक्टली exactly क्वेश्चन किस और कॉन्टेक्स में पूछा जाता है अगर किसी भी दो चीजों का टेम्परेचर सेम हो ठीक है टेम्परेचर भीचर भी, X और इसका भी X. इनके बीच में क्या कोई हीट ट्रांसफर होगा नहीं होगा ठीक है एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर पानी को गैस पे उबलने के लिए यहाँ पे रखा है ठीक है गैस पे उबलने के लिए अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पानी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया या बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100% हो गया तो क्या कभी पानी उबलेगा क्या बताइए कभी पानी उबलेगा क्या ये क्वेश्चन दोनों तरीके से लर्न करिए सारा पॉइंट जो है आपको लर्न करना है इस तरीके के तीन क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ठीक है थीके? क्या पूछा जाएगा इस तरीके के तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट फ्लो नहीं होगा अगर उसमें क्या है सेम पोटेंशियल ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा यानी कि अगर कोई कंडक्टर है यहां यहां से तक एक कंडक्टर है उसमें यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना ही है हाई में फ्लो कर रहे हैं और यहां पे भी जो है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में ही फ्लो हो रहा है तो कभी भी करंट फ्लो करेगा क्या नहीं करेगा यहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली आंसर होगा संभावित या विभा जिसे हम कहते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी भी किसी भी दो चीजों के बीच में या किसी कंडक्टर के अंदर एक डिफरेंस है क्रिएट हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं यहाँ पे रहने वाला है इसी तरीके से हीट के लिए याद रखिए भाई दोनों का अगर एक ही टेम्परेचर है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी अगर बाहर का एटमॉस्फेयर हंड्रेड है तो कभी पानी जो है वो उबलेगा नहीं तो यहाँ पे क्या आंसर था आपका पोटेंशियल डिफरेंस शानदार क्वेश्चन शानदार उससे शानदार आप लोगों के आंसर आज की क्लास करके सच में मजा आया मतलब आप लोगों ने जिस तरीके से आंसर दिए है ये होता है वन टू वन इंटरेक्शन आराम से आंसर दीजिए आंसर बताइए जहां क्वेश्चन है पूछिए एकदम क्लास को ना एंजॉय ये तीस क्वेश्चन अब आप भूलोगे नहीं ये बात मेरी मान लीजिए अब आप, आप में से जिन लोगों ने कई सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं भी दिए ना आप इतना जान के रखिए इस बोर्ड पर जो तीस क्वेश्चन आपने किए ना अब आप इन्हें भूलोगे नहीं चाहे वो किसी एग्जाम में है है ना तो यही क्लास फॉलो करते हैं इसके अलावा आपकी अन अकेडमी पे छ से सात क्लास है कल नहीं हो पाई थी किसी रीजन की वजह से तो कंप्लीट डिटेल थ्योरी जो है वो थ्योरीडमी पे चल रही है वहां से आप फॉलो कर सकते हैं एसएससी का कॉम्बेट टेस्ट जो है वो हर संडे चलता है उसके अलावा हर संडे हमारी स्टैटिक जीके की भी क्लास चलती है वो भी आप फॉलो करिएगा टेन परसेंट सब्सक्रिप्शन रेट जो है वो डिक्रीज कर दिए क्लास में फ्री लाइव क्लास के लिए आप छे से सात अन पे आ जाइए उस क्लास का जो लिंक होता है ना वो आपको पीडीएफ के साथ दे दिया जाता है मतलब पीडीएफ के साथ दूसरा लिंक प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया जाता है ठीक है कोई भी सब्सक्रिप्शन कोई भी फ्री क्लास आप अपन अकेडमी पे देखते हो तो टेन परसेंट या फ्री क्लास आपकी तभी मिलती है जब आप कोई कोड यूज करते हो ना तो आपको क्या कोड यूज करना है शिप्रा लाइव कोड जो है ना वो यूज कर लीजिए यहाँ पे और पीडीएफ आपको क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगी है ना तो बराबर है ये सारी चीज चार्ज अगर सेम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी ठीक है चार्ज अगर सेम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी स्वाति ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है जिस दिन आपकी ग्रुप डी की डेट डिसाइड हो जाएगी साइंस की एक मैराथन क्लास जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहे आठ घंटे लगे चाहे बारह घंटे लगे साइंस की मैराथन क्लास करेंगे जिस दिन आपकी ग्रुप डी की डेट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी राइट याद रहेगा यहाँ पे ट्वेंटी क्वेश्चन में क्या हो गया अरे क्या हो गया एक सेकेंड होल्ड ऑन ट्वेंटी क्वेश्चन क्या है A a copper disc disc hole. If the the is heated, the size of of yes, it will increase. Uh, good conductor of heat and electricity की बात करते हैं तो it always increases. सिर्फ आप इतना याद रखिए. Bad conductor की बात करेंगे तो वो allow ही नहीं करेगा यहाँ पे इसके लिए ठीक है कोई और टॉपिक यहाँ पे कोई और अच्छा आपको डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो जीके निकिता आपकी अच्छा निकिता आप आती तो वो शाम की क्लास में जी के कर लेंगे ना इंक्रीज ही होगा एट थाउजेंड की क्लास सुमन ये संडे टू संडे चलती है अच्छा अभी कोई टॉपिक आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो अच्छा एक और क्लास इसके बाद रख लेंगे यहाँ पे इसके बाद कोई एक टॉपिक वगैरह जो है वो क्लास रख ले यहाँ पे ट्वेंटी एट बताया तो कॉपर की डिस्क को अगर हीट करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा हाँ इसीलिए मैं पूछ रही हूँ देखो आज सर की क्लास ऑफ है तो आगे आपकी क्लास अभी होने नहीं वाली है तो अगर आपको कोई टॉपिक या कोई भी चीज आपको समझनी है तो बता दीजिए अच्छा आरडीटी और डीआरए क्या है ये बताना है आप लोगों को आरडीटी और डीआरए मूविंग अवे फ्रॉम दी और मूविंग टुवर्ड्स दी तो मूविंग अवे फ्रॉम दी एंड मूविंग टुवर्ड्स दी करके अगर हम बोलते हैं तो उसको डिफाइन किया जाता है जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डी आर ए क्या है तो डेंसर टू रेयर अवे और आर डी टी क्या है यहाँ पे तो आर डी टी क्या है ये क्या हो गया यहाँ पे रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स देखिए आज आपकी ना भुने सर की क्लास है ना नीरज सर की क्लास है तो आपको अगर कोई टॉपिक मुझसे क्लियर करना है तो आप समझ सकते हो फिजिक्स की टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज क्लास आपकी अन अकेडमी पे चल रही है आप वहां पे जा सकते हो अच्छा आप लोग पे पे क्यों नहीं आते हो पे इतनी शानदार तरीके से टॉपिक की क्लास चल रही है डेली चलती है फिर भी आप नहीं आते हो क्यों अच्छा देखो मैं पहली बता दे रही हूँ कि आज नीरसर और सर की क्लास नहीं है सो वी कैन कंक्लूड टॉपिक कोई टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लें या अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है ना वो अगर पढ़ना हो तो कौन सा टॉपिक तो मनीष इसमें हमने ये ऑप्शन लिखा नहीं है ना कि फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज वी आर आस्किंग ऑन द इनिशियल स्टेज अगर अपने को ये रहेगा कि पर्टिकुलरली जैसे अपन ने इंक्रीज किया पहले और उसके बाद उसको डिक्रीज कर दे रहे हैं तो वो तो सेकेंडरी पार्ट हो गया ना अपन ने पहले इंक्रीज कर दिया अच्छा कोई भी एक टॉपिक बायो का कोई भी एक टॉपिक या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक आप बताइए जो आपको अभी पढ़ना हो उसको अभी कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि नीरज सर की और बुनेश सर की अभी क्लास नहीं है तो एनी टॉपिक विच वी यू नीड टू यहाँ पे सी तभी मैंने बोला ना कि आपको कोई टॉपिक जो है ना बता दीजिए कि कोई टॉपिक पढ़ना है टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना आपको छह बजे क्लास में आना है आप फिजिक्स न्यूमेरिकल एकदम से कैसे होगा अच्छा ह्यूमन फिजियोलॉजी की या प्लांट किंगडम पढ़ना है आप लोगों को प्लांट किंगडम्स या ग्लैंड्स चलिए ठीक है प्लांट किंगडम्स या ग्लैंड्स पढ़ते हैं लेकिन उसके लिए मुझे पेज ब्लैंक्स लेने पड़ेंगे तो थोड़ा सा ना ब्लैंक पेज उठाते हैं ठीक है थीके? और कोई भी एक टॉपिक जो है आप डिसाइड कर ले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपको अच्छा लगे उसमें से ये आपकी बोनस क्लास है ठीक है ये है आज आपकी बोनस क्लास पेजेस कैसे ऐड होंगे भाई साहब एक तो इतना पुअर नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी में ना कि चीजें गड़बड़ हो जाएं ब्लैंक प्रेजेंटेशन राइट ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऐड कर दीजिए नई स्लाइड वही चलिए एक कोरा कागज ना आपके सामने है ठीक है कोरा कागज है प्लांट किंगडम की बात कर लें कितने बच्चों को प्लांट किंगडम पढ़ना है जल्दी से शानदार तरीके से करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे जल्दी से देखिए कोई ऐसे टॉपिक मत बताइए जिसके लिए मुझे आपके लिए कुछ कंटेंट भी लाना पड़े मतलब प्लांट किंगडम पढ़ ले अच्छा मैं आपको ना एक ओवरव्यू देती हूँ कि भाई अगर बायोलॉजी की आपको शुरुआत करनी है तो आप कैसे करोगे केमिस्ट्री की या फिजिक्स की शुरुआत करनी है तो आप कैसे करोगे ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें ना इस धरती के ऊपर मौजूद जितनी भी चीजों की मैं आपसे बात करूँ कि भाई इस धरती पे ना जो टोटल चीजें मौजूद हैं वो कौन कौन सी है, है ना साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है साइंस की शुरुआत जो है ना वो कर लेते हैं आज की जो साइंस की क्लास है ना ये साइंस की शुरुआत करके पढ़ते हैं देखिए सबसे पहले साइंस जो है ना ये आपकी क्या है ये ओरिजिनल इसका साइंस के नाम से नहीं हुआ था इसको अपन बोलते थे नेचुरल साइंस प्लांट किंगडम की तरफ ही मैं आ रही हूँ एक ओवरव्यू जो है वो प्लांट किंगडम का कर लेंगे तो वो अपन कर लेंगे ठीक है नेचुरल साइंस जो है ये यहां से ना अपना पूरा साइंस शुरू हुआ जिसको अपन क्या बोलते हैं

हैं क्या किया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो कर दिया भाई एक तरफ ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना वो अलग सब्जेक्ट है और बायोलॉजी जो है ना ये अलग सब्जेक्ट है बायोलॉजी जो है ना वो जीव विज्ञान होता है क्या होता है बायोलॉजी जो है वो क्या बोला जाता है ये जीव विज्ञान बोला जाता है ठीक है बायोलॉजी क्या हो गया ये हो गया जीव विज्ञान मनीष मिक्सचर और सेपरेशन के लिए मुझे आपको ना कुछ इक्वेशन और आ, कुछ कंटेंट भी दिखाना पड़ेगा तभी मैं उसको समझा पाऊंगी पॉइंट ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ या मुझे प्रेसिपिटेशन हुआ या ये सारी चीजें मुझे आपको दिखानी भी तो पड़ेंगी ना डायग्रामेटिकली तो वो सारा चीजें अपन कर लेते हैं यहाँ पे है ना अब ये देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसमें से अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी आपको पता है कि बायोलॉजी के जनक अपन किसको बोलते हैं कुछ बेसिक्स बता दीजिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल बोल दिया फादर ऑफ जोलॉजी बोल दिया आपने अरिस्टोटल फादर ऑफ यहाँ पे आ, ये बॉटनी बोल दिया थियोफ्रेस्टस किताब लिख दी उन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटेरम हिस्टोरिया एनिमल कार्लस लीनियस अब आगे यहाँ पे अरिस्टोटल तो चलो कर ही लिया आपने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन शुरू हो जा रही है बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में कार लीनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया और इस धरती पे मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए क्या बोल दिया कि भाई या तो आप उन्हें प्लांट बोलो या उन्हें आप बोलो एनिमल तो जैसे ही आप उनको प्लांट या एनिमल बोलोगे तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है प्लांट किंगडम की अभी प्लांट किंगडम जो है ये आपका क्या बोला जा रहा है प्लांट किंगडम जो है बायोलॉजी की क्लास अभी कर रहे हैं ना अभी करिए बायोलॉजी की क्लास प्लांट किंगडम जो है ये विटेकर की क्लासिफिकेशन में कौन से स्थान पे आता है एक एक करके समझते जाइए जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं अब देखिए विटेकर की क्लासिफिकेशन में विटेकर का आप बोले भाई विटेकर की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन से जीव थे मुनेरा थे राइट right. दूसरे कौन से थे प्रोटेस्टा थे पहले मुनैरा दूसरे प्रोटेस्टा तीसरे नंबर पे आ गए आपके फंजई और फंजई के बाद ये तीसरा नंबर हो गया फंजई फंजई के बाद चौथे नंबर पे कौन आए प्लांट अब जरा इन प्लांट्स को पढ़िए प्लांट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड आपको क्यों, क्यों जैसे किंगडम को डिफाइन करिए सबसे पहले मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि उन वैज्ञानिकों का नाम बता दीजिए जिन्होंने प्लांट किंगडम को एक्सप्लेन किया वैज्ञानिकों का नाम बता दीजिए जिन्होंने प्लांट किंगडम को यहाँ पे अच्छा ठीक है मनीष ये टॉपिक डन रहा ये वाला टॉपिक मैं करा देती हूँ एक दो दिन में ही करा देती हूँ अभी आपके ना तीन टॉपिक मेरी तरफ से साइंस में पेंडिंग है एक तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाना है वो मुझे आज या कल में ही पढ़ाना है और दूसरा ये मिक्सचर और सेपरेशन वाला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन फिल्ट्रेशन ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे कर लेंगे ठीक है हाँ एक दो एक दो दिन कर लेते हैं यहाँ पे अरे भाई पढ़ने पे ध्यान दो ये कौन बच्चे ये अनवांटेड बच्चे यहाँ पे जो क्लास में आए हैं ये विकास कुमार थोड़ा बहन के लिए भी ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा अपनी बहन को यहाँ पे गाली देंगे तो कैसे चलेगा बताइए वैज्ञानिक जो हैं वो कौन से हैं यहाँ पे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यहाँ पे जल्दी बताइए हुकर, हुकर right? करके याद रखिए। वैज्ञानिक जो है वो कौन है आपके बैंथम एंड हुकर तो बैंथम एंड हुकर के द्वारा प्लांट किंगडम जो है उसको एक्सप्लेन किया गया अब यही प्लांट किंगडम को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है पांच पार्ट्स में किया जाता है जिसमें से पहला क्या हो गया यहाँ पे एलगी करके याद रखना है ठीक है पहला पॉइंट याद रखिए आप मुझे बस ये बता दीजिए आपको यहाँ पे कहां पे एनिमल सॉरी पहला हो गया एलगी दूसरा हो गया ब्रायोफाइट्स तीसरा हो गया यहाँ पे टेरिडोफाइट्स ठीक है टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट के बाद चौथे आपके हो गए यहां पे जिम्नोस्पर्म्स राइट जिम्नोस्पर्म्स और यहाँ पे पांचवे आपके क्या हो गए एनजीओ तो पहले तो आप ये याद रखिए कि जब हम इसमें एलगी की तरफ से एनजीओ की तरफ बढ़ रहे हैं या एलगी की तरफ से एनजीओ की एल जी एलगी की तरफ से एनजीओ में जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है क्या हो रही है कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है ऑर्गन जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं तो पहले तो आप यही याद रखिए भाई ऑर्गन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे एलगी सिंपलेस्ट प्लांट बोला जाएगा और एनजीओ जो है वो सबसे एडवांस uh, प्लांट बोला जाएगा अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए कि पूरे प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा की परसेंटेज कितनी है और बाकी के जो चार प्लांट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है बताइए क्यों नहीं दिख रहा भाई दिख क्यों नहीं रहा इस पूरे एलगी सिस्टम में या इस पूरे प्लांट सिस्टम में मैं अगर आपसे पूछूं पूरे प्लांट सिस्टम के अंदर जो हमारे पास एलगी है ठीक है दूसरे हमारे पास ब्रायोफाइट हो गए अभी मैं इनके फीचर्स भी आपको बता दे रही हूँ तीसरे यहाँ पे टेरडो हो गए है ना चौथे आपके क्या हो गए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म करके और पांचवे आपके क्या हो गए एनजीओ है ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है इसीलिए हमने एलगी की तरफ से ना कहाँ पे आई जा रहे हैं एनजीओ पे आई जा रहे हैं इन पौधे में सबसे पहले बात जो है ना वो आपको क्या याद रखनी है सबसे पहली बात कि एलगी से लेके जैसे ही आप जिम्नोस्पम तक आओगे और उसके बाद एनजीओ इसमें एलगी वाला जो हिस्सा है या एलगी ब्रायोटेरडो जिम्नो ये पौधे की प्रजाति में खाली 16 परसेंट का भाग बनाती है कितना 16 परसेंट का और एनजीओ जो है वो यहाँ पे कितना बनाता है एनजीओ बनाता है 84 परसेंट यानी कि पौधे की प्रजाति में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है 16 परसेंट और 84 परसेंट में आपको याद रखना है कि जो हमारे एन फॉर्म हैं वो 84 परसेंट पाए जाते हैं और जो हमारे प्लांट्स हैं ना वो कितने पाए जाते हैं 16 परसेंट जो है वो पाए जाते हैं ठीक है ये चीज याद रखिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम ये प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं तो हमने एलगी को रखा है लेकिन फंगस को नहीं रखा तो एलगी जो है वो हमारी क्या होती है ये होती है क्लोरोफिल कंटेनिंग इसीलिए मैं जब आपको अभी बोली थी आज का पहला क्वेश्चन क्या था कि प्लांट्स और एनिमल को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेन चीज आपकी क्या होनी चाहिए क्लोरोफिल क्योंकि इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से हमने एलगी को प्लांट किंगडम में रखा है जबकि इसी क्लोरोफिल की एबसेंस की वजह से हमने फंगस को या फंगाई को प्लांट किंगडम से बाहर निकाल दिए। तो क्लोरोफिल जो है वो क्या बोला जाता है प्लांट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बोली जाती है और एलगी जो है उनमें क्या मौजूद होता है पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल तो वर्णक नाम का या वर्णक जो है ये कहाँ मौजूद होता है एलगी के अंदर मौजूद होता है जबकि फंगस के अंदर एबसेंट होता है सबसे पहली बात ये याद रखिएगी तो इसी चीज से रिलेटेड है कि भाई फंगस जो है ना ये एल क्लोरोफिल नहीं रखता है इसीलिए हमने इसको प्लांट कैटेगरी से पूरा क्या कर दिया बाहर निकाल दिया अब जरा ब्रायोफाइटा की बात करते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं धीरे धीरे समझते जाइए चीजें समझ आएंगी जा आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं उन्हीं पे फोकस करके थ्योरी बता रही हूँ ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है ये क्या है ये हमारे क्या हो हैं? था था होते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्या होते हैं कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं आपको याद रखना है स्पर्मेटोफाइटा इसमें स्पर्मेटोफाइटा किसमें स्पर्मेटोफाइटा तो जो आपके सबसे पहले तो आप याद रखिए कि भाई जो एलगी है ये रखी जाती है थैलोफाइटा में किसमें थैलोफाइटा में है. है ना और जो हमारे ये जो ब्रायोफाइट्स और टेरेडोफाइट है ये किसमें रखा जाता है स्पर्मेटोफाइटा ठीक है स्पर्मेटोफाइटा याद रहेगा अब स्परमेटोफाइटा करके याद रखें कि स्पर्मेटोफाइटा हम किसको बोलते हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं है ना अब इसमें एक पॉइंट याद रखिए भाई क्रिप्टोगेम्स का एक पॉइंट आ जाता है तो जब भी आपको ये पूछे कि भाई ये सारे के सारे प्लांट्स में स्पर्मेटोफाइटा चारों कैटेगरी को बोलेंगे लेकिन क्रिप्टोग किसको बोलेंगे ब्रायो और टेरिडो को किसको बोलेंगे ब्रायो और टेरिडो को ठीक है तो ब्रायो और टेरिडो क्यों होते हैं क्योंकि इसमें हिडन गैमीट्स होते हैं क्या होते हैं हिडन गैमीट्स छुपे हुए गैमीट्स जिनमें पाए जाते हैं उनको अपन ने क्या बोल दिया क्रिप्टोगेम्स तो याद रहेगा आपको कि फंगस और एलगी जो है वो क्या होता है फंगस और एलगी ये थैलोफाइटा होते हैं ब्रायो और टेरिडो जो होते हैं वो क्रिप्टोगेम्स बोल दिए हमने और स्पेसिफिकली जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम जो है ये आपके क्या हो गए ये हो गए स्पर्मेटोफाइटा क्या हो गया इतना क्यों टेंशन हो गई भूकंप कहाँ आ गया और ये आपस में क्यों लड़ रहे हो आप लोग कोई एट्थ क्लास ये मतलब नर्सरी केजी या स्कूल सिक्स सेवन के बच्चों जो आपस में ऐसा लड़ रहे हो जैसे अभी तलवारे लेके बैठा करो मतलब ऑफलाइन क्लास हो तलवारे लेके बैठो एक दूसरे को काट ही डालो बिल्कुल ऐसे करके पढ़ रहे हो यहाँ पे क्या हो गया ये ऑनलाइन क्लासेस है वर्चुअल चीजें हैं यहाँ पे ना इतना विश्वास मत किया करो चीजों को जो जो जिसने बोला क्या बोला पढ़ने पे ध्यान दो आका अशपक ये हम ना अन अकेडमी पर नुमेरिकल्स पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? नुमेरिकल वाला जो पार्ट है वो अन अकेडमी पर हम पूरा पढ़ चुके हैं चलिए बताइए इतना चीज़ समझ आएगा कौन किसकी कैटेगरी में रखा जाता है इसी को थोड़ा कैटेगरी वाइज और डिफाइन कर लेते हैं अब आप, आप आप मुझे बताइए थैलोफाइटा में कौन से दो प्लांट्स कैटेगरी आते हैं जल्दी जल्दी थैलोफाइटा अच्छा इनको थैलोफाइटा ही लिखा जाता है हिंदी में तो हिंदी वाले बच्चे जो है ना वो ऑफेंडेड फील ना करें थैलोफाइटा ठीक है थैलोफाइटा जो है वो हम रखते हैं कहाँ पे थैलोफाइटा की दो कैटेगरीज का नाम बताइए देखिए कुछ कुछ क्लासेस के लिए जिनके लिए आप बोलते हो ना उनके लिए आप टेंशन ना लो जैसे आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है साइंस की पूरी एक मैराथन क्लास है ये हम तब करेंगे जब ग्रुप डी का कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा उससे पहले जितनी मैं चीजें आपको करा रही हूँ ना उनको एक्यूमिनेट करते जाइए किसी बड़ी क्लास को करने के लिए ना आपके पास पहले छोटी छोटी चीजें जम, जमा होनी चाहिए फिजिक्स की ना बहुत ही शानदार एक सिर्फ न्यूमेरिकल की रिविजन में अन अकेडमी पे इस सैटरडे करा रही हूँ उसको आप फॉलो करिए वो आप फॉलो करिए उसके बाद न्यूमेरिकल करने के लिए अच्छा रहेगा राइट सबसे पहले आप मुझे कुछ क्वेश्चंस तो के आंसर दीजिए आप में कौन सी दो कैटेगरी आती हैं क्रिप्टो गैम्स में बोलूं यहाँ पे क्रिप्टो गैम्स में कौन सी दो कैटेगरीज आती हैं तो आप आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे अगर मैं बोलूं आपको स्परमेटोफाइटा में कौन सी दो कैटेगरीज आती है तो आप आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए स्परमेटो में कौन सी दो कैटेगरीज आती है है ना तो ये ये याद रहेगा यहाँ पे थैलो फाइटर देखिए कभी भी किसी बड़े घोंसले को बनाने के लिए ना छोटी छोटे तिनके बीनने पड़ते हैं अब आप सोचो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीधा हो जाए या आप सोचो साइंस की मैराथन क्लास करा दो अठारह बारह घंटे की बारह घंटे अट्ठारह घंटे की तो कैसी हो जाएगी आठ बारह घंटे की मैराथन क्लास करा दो उसके लिए आप पहले तिनके तिनके जोड़िए ना ये सारी चीजें तिनका तिनका है तभी तो घोंसला बनेगा नहीं पता नहीं है हम बेसिक चीजें नहीं करना चाहते बस एडवांस एकदम शहनशाह बनना है थैलोफाइटा में क्या आता है एलगी और फंगस ठीक है थैलोफाइटा में कौन सी दो चीज इंक्लूड होती है एलगी और फंगस क्रिप्टोग में क्या इंक्लूड होता है ब्रायोफाइट्स और टेरडोफाइट ठीक है स्पर्मेटोफाइटा में क्या होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ठीक है जिम्नोस्पर्म और एनजियोस्पम ब्रायोटेरिडो एल्गी और फंगस ये हमारी थैलोफाइटा क्रिप्टोगैम और स्पर्मेटोफाइटा के लिए बोलते हैं अब यहाँ पे ना एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल किसमें आता है मैं आपको एग्जाम्पल के नाम बताऊंगी आप बताना कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है ठीक है चलिए ठीक है जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं आप मुझे जल्दी बता दीजिए रिक्शिया कौन सी आ, प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है रिक्शिया कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गई यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी एलगी फंगस ब्रायोफाइट टेरेडो यहाँ पे पांच कैटेगरी हैं मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सबसे पहले आप एलगी प्लांट लिखिए फिर ब्रायो लिखिए फिर टेरिडो लिखिए फिर जिम्नो और फिर एनजीओ सबसे सिंपलेस्ट पौधा एलगी होता है यहाँ पे जिसको अपन शैवाल बोलते हैं और शैवाल और फंगस मिलकर बनाते हैं क्या लाइकेन्स फिर हो गया ब्रायो फिर हो गया यहाँ पे टेरिडो फिर हो गया जिम्नो और फिर आपका हो गया एनजीओ ठीक है अभी आपके पास कितनी चीजें मौजूद है पांच चीजें मौजूद हैं जिसमें से वेसल्स की अगर हम बात करें तो संवहन उत्तक जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं अब यहाँ पे संवहन उत्तक आना शुरू हो जाते हैं लेकिन सबसे एडवांस पौधा है एनजीओ स्पम्प जिसके अंदर संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम फ्लावर फ्रूट सीड सब कुछ मौजूद होता है रिक्शिया किसका एग्जाम्पल है जल्दी रिक्शिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है एलगी का है नहीं जी ब्रायो का एग्जाम्पल है ठीक है पेनीसीलियम किसका एग्जाम्पल है पेनीसीलियम किसका एग्जाम्पल है बताइए फांस जो है वो किसका एग्जाम्पल है साइकस जो है वो किसका एग्जाम्पल है एफेड्रा जो है वो किसका एग्जाम्पल है यही तो आपको पूछा जाता है नीटम जो है वो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे राइट जिंक को जो है वो किसका एग्जाम्पल है जिंक को ये किसका एग्जाम्पल है, 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 है? है यहाँ पे क्योंकि ये नाम आपके समझ आते नहीं है फीचर्स में कोई ज्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है एलगी जो है वो पौधे की तरह दिखती ही नहीं है इसीलिए थैलोफाइटा बोलते हैं ब्रायो बहुत सिंपल पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा में थोड़ा सा स्टेम लीव्स

राइट ये फंगस है नाउ द पॉइंट इज दिस में क्या है ये एलगी है इसमें से बहुत सारा प्रोटीन निकलता है वर्ल्ड वॉर टू में ना स्पाइरोना को यूज किया गया था क्योंकि जब वहां पे आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू में जो लोग छुपे रह गए थे वो आठ आठ साल बाद निकल के आए बाहर क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है और आठ साल बाद निकल के ना वो बाहर की तरफ आ रहे तो स्पायरोना जो है वो एलगी करके डिफाइन कर दिया अपन ने यहाँ पे स्पायरोना जिंक को क्या है ये जिम्नोसम है और ये लिविंग फॉसिल बोला जाता है कि ये ना खत्म हो चुका था फिर से आ गया रिक्शिया जो है वो ब्रायोफाइटा होता है ठीक है जिसमें से मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा था मार्केशिया जो है वो भी आपका ब्रायोफाइटा बोला जाता है ठीक है पेनीसिलियम फंगस हो गई फंग्स जो है वो क्या बोले जाते हैं टेरिडोफाइट साइकल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है

भी हैं वो सारे के सारे आपके बोले जाते हैं है ना तो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो हो गए करके डिफाइन किए जाते हैं राइट जिम्नोस्पर्म गया मैंगो का प्लांट क्या होगा वो होगा मैंने क्या बोला जितने भी फूल जो होते हैं ना जिन पे फ्लावर उगते हैं या जिन पे ढके हुए बीज होते हैं जिनके जो आप फ्रूट्स खाते हो वो क्या होता है ढके हुए बीज होते हैं तो ढके हुए बीज जितने के पास होते हैं वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं आपके एनजीओ बोले जाते हैं समझ गए मेरी बात यहाँ पे यही चीजें आपको परेशान करती हैं अब जैसे मैं एलगी की बात करूं एलगी में क्या दिक्कत है एलगी लान करने में कोई इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन एलगी आप दिक्कत करते हो लर्न करने के लिए कैसे देखो एलगी में ना पिगमेंट मौजूद होते हैं ठीक है और एलगी में खाली ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ना वो मौजूद है है ना एलगी में बाकी के पिगमेंट भी मौजूद होते हैं पिगमेंट क्या होता है वर्णक हमारी स्किन में पिगमेंट बताइए हमारी स्किन का जो कलर है वो कैसे डिफाइन किया जाता है अच्छा नोट्स बना रहे हो आप लोग ठीक है ठीक है ठीक है बताइए हमारी शरीर के अंदर कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से आपका स्किन का कलर आता है बताइए हमारे शरीर में एनिमल्स के बॉडी में ह्यूमंस की मैं बात कर रही करी पर्टिकुलरली एनिमल्स की नहीं बट एनिमल ह्यूमन इज अ सोशल एंड एनिमल ह्यूमन इज अ सोशल एंड क्या बोलते हैं पॉलिटिकल एनिमल तो ह्यूमंस की स्किन में ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर ऐसा होता है जैसे हमारा भी है है ना ऐसे करके बोले तो बताइए एग्जैक्टली exactly. धनंजय साहू बिल्कुल क्या बोलते हैं अपन इसको मिलानिन करके बोलते हैं तो हमारी स्किन में ना जो है वो क्या मौजूद होता है मिलानिन करके होता है ठीक है मिलानिन जो है ना वो मौजूद होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का ऐसा कलर आता है तो अब आप मुझे ये बताओ कि पौधे में जो आपका हरा कलर है वो भी तो किसी मिलानिन की वजह सॉरी किसी पिगमेंट की वजह से होगा किसी वर्णक की वजह से होगा तो हमारे पौधे में जो कलर होता है क्लोरोफिल वो हम किसके लिए बोलते हैं भाई ये वर्णक है जिसकी वजह से पौधे का हरा रंग हो जाता है ये क्लोरोफिल पौधे में कहाँ पे मौजूद होता है तो आपको क्लोरोप्लास्ट याद रखना है अब इसमें याद रखना है और याद रखना है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल जो जो है वो केवेंटाव, केवेंटाव और आपके शिम क्लोरोकिर नाम के जो साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक उनके द्वारा ये खोजा गया था ठीक है आप देखो इस क्लोरो पौधे में वर्णा क्लोरोफिल है तो अच्छा एक क्वेश्चन और भी था ना कल परसों की क्लास में कि ये पौधा हरा रंग जो है उसको क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है और बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब करता है इसीलिए आपको हरा रंग दिखाई देता है तो जो रंग कोई भी चीज रिफ्लेक्ट करती है वो हमको दिखाई देती है इसीलिए क्लोरोप्लास्ट करके यहाँ पे डिफाइन किया जाता है ये याद रखेंगे यहाँ पे ठीक है ये याद रखेंगे अब देखो एलगी कोई एक रंग की तो होती नहीं है एलगी पाई जाती है बहुत सारे रंगों की तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो सारे एलगी में होगा लेकिन उसके अलावा जो है ना वो एक ऐसे पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से एलगी के अलग अलग रंग आते हैं जैसे एलगी जो है वो कैसी लाल शैवाल पाए जाते हैं ठीक है भूरे शैवाल जो है वो पाए जाते हैं भूरे हरे शैवाल जो है वो पाए जाते हैं ग्रीन जिसको अपन ने बोला तो बेसिकली इसको रब करते हैं फिर पढ़ते हैं देखिए एलगी जो है वो आपकी बेसिकली चार रंगों की होती है है ना एक तो हरी हो गई तो हरी अगर एलगी होगी तो उसमें तो क्लोरोफिल ही मौजूद होगा क्लोरोप्लास्ट होगा आप बताइए कि अगर लाल लाल शैवाल है जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी क्या बोलते हैं रोडोफाइसी लाल शैवाल इसके अंदर कौन सा वर्णक या कौन सा पिगमेंट जो है ना वो मौजूद होता है लाल शैवाल के अंदर कौन सा वर्णक या कौन सा पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है उसी तरीके से देखिए आज ये पता नहीं था कि कोई भी क्लास नहीं लेगा वरना मैं आपकी पूरी बायोलॉजी ऐसे ही रिवाइज करा देती पूरी हो जाती चलिए अभी भी जितनी कोशिश करते हैं हो जाएगी एक हो गया फ्यूकोजें भूरे रंग जो होता है अच्छा भूरे रंग को पहले बोलते क्या है फियोफाइसी तो फियोफाइसी रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी और सियानोफाइसी तो ये बुरा रंग जो है वो किसकी वजह से हो गया फियोफाइसी की वजह से अब चौथे जो एलगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं सियानोफाइसी क्या होता है सियानोफाइसी क्या होता है सियानोफाइसी तो सियानोफाइसी क्या होगी नीले हरे शैवाल है ना नीले हरे शैवाल तो सियनोफाइसी को हम क्या बोलते हैं नीले हरे शैवाल जो भूरे शैवाल है उनको हम बोलते हैं फियोफाइसी और लाल शैवाल को रोडोफाइसी और हरी जो एल्गी होती है उसको हम क्या बोलते हैं हरी एल्गी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोफाइसी चार नाम याद हुए आपको क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी फियोफाइसी या सियानोफाइसी करके अब आप ये याद रखिए कि क्लोरोफाइसी में क्या होगा भाई वर्णक क्लोरोफिल मौजूद होगा इसीलिए वो हरी है राइट अब लाल एल्गी जो लाल है वो किस वजह से लाल है क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे क्या मौजूद है फाइको एरिथ्रिन क्या मौजूद है फाइको एरिथ्रिन करके याद रखिए उसमें फाइको एरिथ्रिन जो है वो मौजूद होती है उसी तरीके से फियोफाइसी की मैं बात करूं तो फियोफाइसी में जो है वो क्या मौजूद होगा ये बुरे शैवाल होते हैं है ना फियोफाइसी में क्या मौजूद होगा फ्यूकोजेंथिन क्या होगा फ्यूकोजेंथिन तो भूरे शैवाल में क्या होगा इससे ज्यादा कभी आपको यहां से पूछा नहीं जाएगा और इससे कम आपसे उम्मीद भी नहीं की जाती कि आप इससे कम कोई चीज को लर्न करेंगे ठीक है तो ये चारों चीजें एक बार लर्न करिए ये प्लांट्स की स्टोरी ना सुनी नहीं होती मतलब ये प्लांट की ना स्टोरी नहीं होती या धरती पे ना आप ये सब पढ़ी नहीं होते अगर आपको एडम्स और ईव्स की कहानी का पता होता पहली बार जो फल है वो किसने खाया था पता है ना आपको यहाँ पे पहली बार जो फल खाया गया था वो खाया गया था एडम एडम और और ईव्स ईव्स के द्वारा है ना ना अगर और ने वो फल नहीं खाया होता तो हम ये पढ़ रहे होते आज की डेट में ना कुछ आपको पता है नहीं सारी स्टोरी पहला फल किसने खाया था तो एडम और ईव ने खाया था क्या हुआ था एडम भगवान ने धरती पे उतारा बोला कि भाई जाओ तुम धरती पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के रहो एडम बोर हो गया बोला भाई मैं बोर हो रहा हूँ मुझे ईव या कोई और पार्टनर दे दो जिसके साथ मैं रह सकूं। ई ईवाई ईव इव ने वो फल खा लिया जिसको भगवान जी ने मना किया था जिसको बोलते हैं फ्रूट एप्पल फ्रूट तभी तो आपने देखा एप्पल के जो फोन होते हैं वो एप्पल का जो लोग वे ना उसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे तब तक आप ये उतारिए जब तक मैं स्टोरी सुना रही हूँ मैं स्टोरी यहाँ पे इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप ये उतार सको यहाँ पे तो यहाँ पे अभी ना ईव जो है ना वो क्या कर रही है ईव जो है वो यहाँ पे फटाफट से ना फल जो है ना वो खा रही है यहाँ पे और उसके खाने के बाद ही भगवान जी नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब तुमको खुद से ही सारी बातें करनी है मेरी बात नहीं माननी है तब आप अपने आप से दुनिया चलाओ फल उगाओ फ्रूट उगाओ पौधे उगाओ तो यहीं पे आ जाता है एडम और ईव की स्टोरी हालांकि जो एग्जैक्टली exactly जो ईव की स्टोरी है वो आपकी आती है यहाँ से कि मतलब जो फोन पे एप्पल का जो फोन का लोगो है वो ऐसे आता है कि वर्ल्ड वॉर टू में जब सेबों के अंदर ना जहर डाल के दे देता है जिसको खाते हुए कुछ सैनिक जो है ना वो मर जाते हैं उसके लिए अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं चलिए इतना चीज़ समझ आ गया प्लांट्स के लिए लिख लिया आपने एलगी लिख लिया यहाँ पे एलगी के लिए जो हमारी शैवाल बोली जाती है वो आपकी क्या हो गई यहाँ पे शैवाल जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है चार तरीके से रिप्रेजेंट करना है जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है तो क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी फियोफाइसी और फाइको सियान तो हरी क्या होगी क्लोरोफाइसी जिसको क्लोरोफिल करके बोला यहाँ पे राइट दूसरी चीज यहाँ पे रोडोफाइसी हो गया फाइकोरेथिन भूरे शैवाल जो है वो आपके हो गए फियोफाइसिन या फ्यूकोसैन सियानोफाइसी नीले हरे शैवाल और फाइको सियान करके आपको याद रखना है क्या नाम याद रखना है फाइकोसियानिन करके याद रखिए भाई फाइकोसियानिन तो सियानोफाइसी को अपन क्या बोलते हैं करके बोलते हैं ये चीज बराबर है इतना चीज लर्न कर लीजिए अब यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइकेन्स 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 की बात करते हैं हैं कि क्या होते हम किसको सबसे पहले का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है भाई ये एयर इंडिकेटर है ठीक है एयर इंडिकेटर में क्या एयर इंडिकेटर तो एयर इंडिकेटर में जो पोल्यूशन अगर कभी बढ़ जाए ना तो उसको हमारे जो लाइकेन्स हैं वो दर्शाते हैं ठीक है Likens जो है ना वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे लाइकेंस जो है ना वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो है ना वो पॉल्यूशन को दर्शाते हैं यानी कि एयर इंडिकेटर का काम करते हैं अब ये पॉल्यूशन जो है वो कौन से इंडिकेटर को कौन से तरीके के पॉल्यूशन को दर्शाएंगे तो आप सल्फर करके याद रखिए भाई सल्फर के जो जो पॉल्यूशन होता है उसको ये इंडिकेट करते हैं ठीक है एयर इंडिकेटर पॉल्यूशन सल्फर वाला पॉल्यूशन अब लाइकेंस बने किसके होते हैं तो लाइकेंस बनते हैं एलगी और फंगस के किसके बनते हैं लाइकेंस बनते हैं एलगी और फंगस के जिसमें से एलगी क्या करती है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है तो ये यह यहाँ पे आ, देखो हस्बैंड वाइफ का काम आ, अब यहाँ से ना हस्बैंड वाइफ का काम समझ लो एलगी जो है ना वो वाइफ है ठीक है एलगी कौन है ये वाइफ है क्यों क्योंकि ये ना घर में बढ़िया तरीके से ना खाना बनाने का काम करिए क्योंकि ये खाना बनाने की जो कला है ना वो इसी को आती है और इसके पास ना क्लोरोफिल भी है तो क्लोरोफिल की मदद से एलगी क्या करेगी घर में खाना बनाएगी और ये फंगस क्या करता है फंगस भाई घर बनाने का काम कर रहा होता है वो यहाँ पे शेल्टर देने की कोशिश कर रहा है तो फंगस यहाँ पे हस्बैंड का, का काम करेगा यानी कि क्या करेगा शेल्टर जो है ना वो बनाने का काम कर रहा है तो एलगी और फंगस को हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन एल्गी और फंगस के जो रिलेशन है जो मिलके लाइकेन बने देता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन अब ये सिम्बायोटिक कहां से आ गया सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी क्या बोलते हैं सहजीवी ठीक है सहजीवी का मतलब क्या हुआ जहां पे एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को परेशान नहीं कर रही और उसको खा नहीं रही है उसको खत्म नहीं कर रही सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशन का मतलब हुआ जहाँ पे पर्टिकुलरली एक, एक स्पीशीज और वाई स्पीशीज मान लीजिए दीजिए दो स्पीशीज जो है ना वो एक साथ रह रहे हैं तो स्पीशीज उसको मदद कर रही है और वाई स्पीशीज बदले में उसको मदद कर रही है जैसे एलगी जो है वो खाना बना के दे रही है ठीक है और फंगाई जो है ना वो उसके लिए घर बना रही है यानी कि शेल्टर और आ, शेल्टर का काम हो गया और खाने का काम हो गया इस तरीके के रिलेशन को हम सहजीवी बोलते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है एग्जाम्पल हमारे अब ये छोटी आंत में रहके कोई हमारे शरीर को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं ये हमारे शरीर में विटामिन की डाइजेशन के लिए मदद करते हैं खाने की डाइजेशन के लिए मदद करते हैं इन टर्न इकोलाई को हम क्या दे रहे हैं हम खाना दे रहे हैं

जब ये लग गया कि भाई ये तो मतलब हमसे ही चलाकी कर रहे हैं ये हमसे ही चीजें ले रहे हैं यहाँ से और हमारे ही दगाबाजी कर रहे हैं तब क्या होगा किक आउट ऑफ द है आउट ऑफ करके यहाँ पे तब उसको यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे तो x और y करके याद रखिए सिंबायोटिक रिलेशन जो है ये हमेशा म्यूचुअल रिलेशन होते हैं और यही बात अगर लाइकेंस के लिए दर्शाई जाए तो एल्गी फंगस जो है ना वो म्यूचुअल रिलेशन दर्शाते हैं अब ये अगर कहीं भी या किसी भी एरिया में सल्फर की मात्रा बढ़ जाए तो ये एल्गी और लाइकेन क्या हो जाते हैं एल्गी और फंगस का जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है तो अगर यहां पे लाइकेंस खत्म हो रहे हैं किसी भी एरिया में तो ये बोला जाता है कि उस एरिया का जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो गया है क्या हो गया है पॉल्यूशन जो है ना वो इंक्रीज हो गया ठीक है पॉल्यूशन क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो अगर लाइकेंस का नंबर डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्या याद रखना है कि पॉल्यूशन जो है वो बढ़ गया है या पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो क्या हो गई है बढ़ गई है और कौन से पोल्यूशन की सल्फर की क्योंकि अगर सल्फर होगा तो जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे या एलगी और फंगस जो है वो ग्रो नहीं यहाँ पे कर पाएगी इतना चीज समझ आ गया नहीं आज नीरज सर की यहाँ पे क्लास नहीं है आप लोगों की नीरज सर की आज छुट्टी है छुट्टी कर लिया भाई नीरज सर ने ठीक है तो ये वाला पॉइंट याद रखिए ठीक है ये चीज याद रहेगी क्वेश्चन जो है वो पीरे जो आज कराए हैं ना वो सारे के सारे आप कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन है वो कर लीजिए और आज अपनी क्लास के जो भी आपके मन में जो डाउट्स है ना वो आप पूछ सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप पूछ लीजिए भाई प्लांट किंगडम की जब हम प्रॉपर क्लास करेंगे ना तब मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ भी दूंगी प्लांट किंगडम की क्लास वैसे मैं करा चुकी हूँ लेकिन हाँ एक संडे ऐसा कर लेते हैं जिस दिन प्लांट किंगडम की क्लास जो है ना वो कर लेते हैं अभी बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे कोई भी डाउट पर्टिकुलरली होगा तो आप पूछ लीजिए इसी से रिलेटेड ताकि अभी आपको एक्सप्लेन किया जा सके कोई भी ऐसे डाउट होते हैं जो पर्टिकुलरली ये है कि नहीं जी ये आपको पता लगना चाहिए देखो अब ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो कैसी कराएंगे बाकी की आपकी क्लासेस हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए ठीक है अभी ना आठ बजे से लगातार क्लास हो रही है दो घंटे होने वाले हैं कई बच्चे मेरे साथ ना आठ बजे से बैठे हुए हैं इनफैक्ट कई बच्चे मेरे साथ छह बजे से बैठे हुए हैं छह बजे की क्लास थी वो भी अटेंड की थी और उसके बाद आठ बजे वाली जो क्लास है ना वो भी अटेंड कर रहे हैं तो अभी इसको यहाँ पे रोक देते हैं अगर आ, आ, वैसे तो आ, लाइट चैप्टर शुरू कर सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अभी आप यहाँ पे ना इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए चलिए कल की क्लास में मिलेंगे आठ बजे सुबह छह से सात स्टैटिक जीके की क्लास होती है वो आप फॉलो करिए आठ से

अच्छा लार्जेस्ट फ्लावर जो सबसे बड़ा है सिक्योया जाइजेंट फ्लावर नहीं है प्लांट है सिक्योया जाइजेंट जो है वो फ्लावर नहीं है प्लांट है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की थ्योरी जो है वो आपकी कहाँ पे होती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोग की थ्योरी आपकी अन अकेडमी की क्लास में होती है वो आप एक बार कंप्लीट कर सकते हो कपिल ब्लू ग्रीन एलगी हम सियानोफाइसी को बोलते हैं जहाँ पे एलगी का कलर जो है वो नीला और हरा जो है ना वो आपकी होती है दो बजे वाली क्लास में कोई इंपॉर्टेंट जब टॉपिक होगा तब उठाएंगे जैसे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो कल उठाते हैं यहाँ पे कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करते हैं सुबह वाली क्लास जो है वो अपनी करते हैं छह से सात बजे मेरे ख्याल बाकी सारी चीजें ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू सो मच आज के लिए थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए मिलते हैं कल की क्लास में और शाम को अन की क्लास में सुबह छह से स्टा, सात स्टार्टिंग जीके की जो क्लास है उसमें आना ना भूलिए